देखिए, देखो कि समापन में दो चीजें हैं। एक तो चीज है कि एक सामान्य पहलू है, एक सामान्य समापन होता है, कुछ जो है विशेष समापन की विधियां हैं। विशेष समापन की विधियां, तो साधारण समापन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए किसी विषय पर चर्चा हो जाती है, ऐसे समझिए, जैसे एक होता है ध्वनि मत से पारित, ध्वनि मत से पारित, और एक होता है जैसे मान लीजिए ईवीएम द्वारा, ईवीएम द्वारा, एक होता है पर्ची द्वारा, पर्ची द्वारा मतदान, पर्ची द्वारा मतदान। तो ध्वनि मत से पारित का मतलब यह होता है जब किसी विषय पर चर्चा हो जाती है, एक सामान्यतः अधिकांश लोग जो है मेज थपथपा कर अपनी सहमति देते। देखिएगा कभी संसद की कार्रवाई देखिए, ऐसे मेज थपथपा के जो है सहमति देते। तो जो मेज थपथपा के जो सहमति दे दी गई, इस बात को हम लोग बोलते हैं ध्वनि मत से पारित। इसी के नीचे एक लाइन लिख दीजिएगा, जब अधिकांश सदस्य मेज थपथपाते हुए या मेज बजाते हुए अपनी सहमति देते हैं, मेज बजाते हुए अपनी सहमति देते हैं, अब देखिए यदि ये प्रक्रिया है, मान लीजिए किसी ने विरोध कर दिया कि नहीं नहीं तो नहीं मनाया जाएगा, कुछ ही लोग जो है मेज बजा रहे हैं, आधे से ज्यादा सदस्य मेज नहीं बजा रहे हैं, तो ऐसी दशा में मान लीजिए कोई व्यक्ति विरोध कर दिया, स्पीकर सहमत हो गया, तो ऐसी दशा में जो है फिर ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जाता है तो इसके बाद की ये प्रक्रिया है, पहले तो यही बोलेगा कि सब लोग बोलेंगे हाँ पारित पारित। अब इस तरह से मान लीजिए ईवीएम मशीन का मतलब है कि सब सदस्यों के सामने, आजकल तो कंप्यूटर लग गया है, नया जो संसद भवन है उसमें तो सब कंप्यूटराइज हो गया है। तो देखिए होंगे कि अब पहले जो था वो जो बक्सा बना रहता था उसी बक्से के भीतर वो रहता था, अब तो मान लीजिए कंप्यूटर हो गया, तो इसमें जो है उसमें क्या होता है कि ये तीन बटन आ जाता है, एक लाल कलर का बटन आ जाता है रेड, एक मान लीजिए ग्रीन, एक गोल्डन कलर, ये तीन बटन आ जाता है। अब रेड का मतलब है कि हम विरोध कर रहे हैं, ग्रीन का मतलब कि हम सहमति दे रहे हैं, और गोल्डन कलर का मतलब कि हम तटस्थ हैं। तीन बटन दबा दिया जाता है। अब तीन बटन दबा दिया गया, मान लीजिए अब उसके बाद स्पीकर पढ़ रहा है, तो लोगों ने इसका भी विरोध करना शुरू कर दिया कि नहीं ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन खराब है, चाहे जो भी अपना शिकायत दर्ज किए, तब ऐसे दिशा में कहा जाएगा भाई चलिए अब पर्ची बांट दीजिए। ये तीनों जो पर्ची है वो बांट दिया जाएगा, और फिर उस पर मतदान करके उस बक्से में डाल दिया जाएगा, और फिर उस पर जो है निर्णय हो जाएगा। इस तरह की जो प्रक्रिया है तो ए के बाद बी होता है, यहीं पर नीचे लिख दिएगा ईवीएम मशीन में, एक के बाद इसे अपनाया जाता है, एबीसी कर लीजिए ऊपर, एक के बाद इसे अपनाया जाता है। इसमें तीन तरह के बटन होते हैं, रेड ग्रीन और गोल्डन। अब फिर पर्ची द्वारा मतदान में लिख दीजिए ए और बी के बाद यह प्रारंभ होता है, ए और बी के बाद यह प्रारंभ होता है, ए और बी के बाद यह प्रारंभ होता है।
इसमें तीनों कलर की पर्चियां दी जाती हैं, तीनों कलर की पर्चियां दी जाती हैं। तीनों कलर की पर्चियां दी जाती हैं। अब देखिए, अब जो विशेष समापन की विधि है, इसमें जो है, जैसे मान लीजिए एक होता है सिंपल क्लोजर, साधारण समापन, सिंपल क्लोजर। साधारण समापन का मतलब होता है जैसे किसी विषय पर बहुत ज्यादा चर्चा हो जाती है और कोई भी सदस्य जो है कोई पिछला प्रश्न पूछ देता है, तो स्पीकर ये मानेगा कि सदन बहस को बंद कराना चाहता है और मतदान कराना चाहता है। तो मान लीजिए कभी प्रश्न पूछे कि सदन के भीतर जो है कोई सदस्य यदि पिछला प्रश्न पूछता है तो यह किस समापन की प्रक्रिया की ओर संकेत करता है, तो सिंपल क्लोजर टिक लगाइएगा। जैसे मान लीजिए किसी विषय पर चर्चा हो रही है या कोई सदस्य जो है कोई पुराना प्रश्न पूछ देता है, स्पीकर ये समझेगा कि सदन जो है बहस को बंद कराकर अब उस पर मतदान कराना चाहता है। इस बात को हम लोग जो है सिंपल क्लोजर कहते हैं। हमने बताया कि जितना भी संसदीय प्रक्रिया है, चाहे वो समापन की प्रक्रिया हो, चाहे संसदीय विशेषाधिकार हो, जितनी भी चीजें हैं, प्रश्नकाल हो, तमाम चीजें सब हमारे यहाँ जो है ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये साधारण समापन भी ब्रिटेन से लिया गया है। ये सब जितनी प्रक्रिया में बताया सब ब्रिटेन से लिया गया है। इसी में दो लाइन लिख दीजिएगा। साधारण समापन का मतलब जब किसी विधेयक अवलिक विषय पर काफी चर्चा हो जाती है और कोई सदस्य सदन में पिछला प्रश्न पूछता है तो स्पीकर सदन की सहमति से बहस को बंद कराकर मतदान कराता है। स्पीकर सदन की अनुमति ले लेता है कि भाई आप लोग क्या चाहते हैं। अब अधिकांश लोग कह रहे हैं कि बहस बंद कराइए, चलिए मतदान करवाइए, बहुत सारा काम है, हो गया। कोई भी सदस्य हो, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, कंगारू समापन, कौन सदन की सहमति से, पूरे सदन की सहमति से सब काम होता है। कि भाई सदन चाहता है कि बहस को बंद करा के मतदान करा लीजिए, क्यों समय नष्ट किया जाए, करा सकता है। कंगारू क्लोजर, कंगारू समापन, देखिए कंगारू समापन कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। जैसे मान लीजिए अब कंगारू समापन है क्या, कोई मान लीजिए अनेक धाराओं वाला विधेयक है, कोई बड़ा विधेयक है, अनेक धाराओं वाला विधेयक है,
जैसे मान लीजिए हम कहते हैं जैसे 100 धाराएं हैं किसी विधेयक में, 100 धाराएं हैं, तो 100 धाराएं हैं, स्पीकर क्या करता है कि चर्चा होने से पहले ही, जैसे चर्चा का डेट फिक्स रहता है कि फला दिन चर्चा होगा, तो चर्चा करने से पहले ही जो है सर्वदलीय बैठक बुला लेता है, चर्चा करने से पहले ही सर्वदलीय बैठक बुला लेता है, सर्वदलीय बैठक बुलाता है, और सर्वदलीय बैठक बुलाएगा तो सभी दल के नेता लोग उसमें हाजिर हो जाएंगे, सबकी सहमति से जो है मुख्य धाराओं को चुन लेता है, सबकी सहमति से मुख्य धाराओं को चुन लेता है, मुख्य धाराओं को चुन लेता है। जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल ले लिया, कुछ धारा चुन लिया, मान लीजिए 7 नंबर है, 32 नंबर है, 68 नंबर है, 71 नंबर है, 98 नंबर, ऐसे धाराओं को चुन लिया, भाई ये महत्वपूर्ण है, चलिए इस पर हम लोग चर्चा करेंगे ज्यादा, बाकी पर कोई समस्या है नहीं। अब इसके बाद जब चर्चा शुरू होती है तो केवल चुनी गई धाराओं पर ही चर्चा कराएगा और मतदान कराएगा, और इस तरह से जो है जो विवेकशील स्पीकर है वो तीव्र गति से विधेयकों पर जो है वो देखा जाए तो विधेयकों पर निर्णय करा देता है। जब चर्चा शुरू होगी, चर्चा के दौरान केवल चुनी गई धाराओं पर ही मतलब चर्चा और मतदान कराता है, चर्चा तथा मतदान कराता है। इस तरह से देखते हैं कि स्पीकर तीव्र गति से विधेयकों पर निर्णय करा देता है। इस प्रक्रिया द्वारा स्पीकर या सभापति तीव्र गति से विधेयकों पर निर्णय करा देता है। ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग कंगारू समापन करते हैं। कि जब कोई विधेयक है उसमें लंबा विधेयक है, बहुत सारी धाराएं हैं, तो चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, स्पीकर या सभापति बैठक से पहले ही जो है सर्वदलीय बैठक बुला लेता है, और सर्वदलीय बैठक में सबकी सहमति से जो है मुख्य धाराओं को चुन लेता है, और जब चर्चा शुरू होती है तो चुनी गई धाराओं पर ही जो है चर्चा और मतदान कराता है, बाकी धाराओं को जो है वो पारित हो जाता, सब लोग कहते हैं बाकी धारा में कोई दिक्कत नहीं, केवल इसी में समस्या है, तो उसी पर चर्चा मतदान करा लेगा। इस तरह से इस प्रक्रिया द्वारा स्पीकर अब्लिक सभापति तीव्र गति से विधेयकों पर निर्णय करा देता है। ये जो प्रोसेस है उसको हम लोग जो है कंगारू क्लोजर कहते हैं। जिस तरह से जो है कंगारू मान लीजिए कूद कूद कर चलता है, उसी तरह से स्पीकर भी कूद कूद कर जो है धाराओं पर बहस करा लेता है तीव्र गति से, निर्णय करा देगा कि भाई या तो पारित हो जाए या तो न पारित हो, जो भी हो निर्णय का मतलब जो भी हो, कंगारू समापन, कंगारी कटौती होता ही नहीं, कोई लिख दिया होगा गाइड में, लिखने बोल तो रहा हूं आजकल, कुछ भी पढ़ाने को आजकल हो सकता है, कंगारू कटौती नहीं होता है। कटौती प्रस्ताव तीन ही तरह का होता है, डिस अप्रूवल आप पॉलिसी कट नंबर एक, दूसरा होता है इकोनॉमिक कट, तीसरा होता है टोकन कट। तो डिस अप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट का मतलब नीति अनुमोदन कटौती, इकोनॉमिक कट का मतलब मितव्ययता कटौती, और टोकन कट का मतलब सांकेतिक कटौती। चौथा कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है संसदीय प्रक्रिया में, अपने मन से भी तो लोग बना डाले हैं, अभी तो हिंदी माध्यम का इतना दुर्शासन शुरू हो रहा है और क्या। ये इनका अलग सिस्टम चल रहा है। चलिए कंगारू समापन हो गया।
बना लिए हैं। इसका फोटो खींच लीजिए, मोबाइल के है ना, घर पे लिख दीजिएगा राजस्थान और मध्य प्रदेश में आप लोग मेंस देंगे। हर साल क्वेश्चन आता है संसदीय प्रक्रिया का, देखियो कंगारू समापन 25 वर्ड में। अब अपने एमपी में भी खूब आता है, मतलब पीटी और मेंस का दोनों का कॉपी पढ़ लिया तो एमपी में बहुत सारा क्वेश्चन हो जाता है, हो ही जाता है। वो एक पोल्टी में क्या चेंज करेगा, पेपर देखिएगा 5-7 साल का कुछ नहीं आता है, ढंग से पढ़ाई तो हो। अब तीसरा चलिए, नंबर 3 होता है गिलोटिन। गिलोटिन गिलोटिन अब गिलोटिन समझिए, गिलोटिन में जैसे कोई विधेयक है, कोई बड़ा विधेयक है, कोई बड़ा विधेयक है, मान लीजिए 300 धाराओं का विधेयक है, 300 धाराओं का विधेयक है। अब 300 धाराओं का विधेयक है तो स्पीकर क्या करता है, सर्वदलीय बैठक बुला लेता है, बैठक मतलब कि सर्वदलीय बैठक बुलाता है चर्चा से पहले, चर्चा से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाता है, सर्वदलीय बैठक बुलाता है। और चर्चा से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाएगा तो विधेयक को विभिन्न खंडों में बांट लेगा, विधेयक को विभिन्न खंडों में बांट लेगा, विधेयक को विभिन्न खंडों में बांट लेगा, विभिन्न खंडों में बांट लेता है। अब विभिन्न खंडों में बांटने का मतलब जैसे 1 से लेकर 100, मान लीजिए एक खंड बना लिया, मान लीजिए 1 से लेकर 100 एक खंड बना लिया, 101 से लेकर 200 दूसरा खंड बना लिया, 201 से लेकर 300 तीसरा खंड बना लिया। अब सर्वदलीय बैठक में क्या करेगा, सर्वदलीय बैठक में सभी दलों की सहमति से समय निश्चित कर देता है। जैसे सब लोगों ने कहा कि भाई इस पर जो है 1 घंटा लिख दीजिए, 1 घंटा हम लोग बहस करेंगे, इस पर चलिए इस पर 1.5 घंटा लिख दीजिए, इस पर चलिए 2.5 घंटा लिख दीजिए, सब लोग ऐसे अपना लिखवा दिए और इस तरह से समय निश्चित हो गया 6 घंटा, 6 घंटे में बहस ये समाप्त होगी। अब यहाँ पर जब चर्चा शुरू होगी तो जो निश्चित समय किया गया है, जैसे मान लीजिए कहेगा कि भाई 1 से लेकर 100 तक धाराओं पर चर्चा शुरू करिए, जिसको जो प्रश्न पूछना हो पूछिए, सब लोग अपना पूछना शुरू किए, बस घड़ी देखता रहेगा, जब 1 घंटा होगा तो तुरंत बोलेगा बंद करिए चलिए मतदान करिए। तो यहां पर देखते हैं कि निश्चित समय के भीतर किसी विधेयक पर या प्रस्ताव पर जो है निर्णय करा देता है, निश्चित समय के भीतर। यहां पर जो है ध्यान रखिएगा कि निश्चित समय के भीतर, निश्चित समय के भीतर चर्चा तथा निर्णय करा देता है, चर्चा तथा निर्णय करा देता है। दोनों एक साथ यूज नहीं हो सकता ना, क्योंकि मान लीजिए हमें कहते हैं कि दोनों का मतलब तो एक ही ना हुआ। हाँ इसमें क्या है, हाँ उसमें तो पर्टिकुलर धारा चूज किया जाएगा और उसमें तीव्र गति से है, और यहाँ पर निश्चित है कि भाई 6 घंटे के भीतर अब बहस समाप्त हो जाएगा। 2, 3, 4, 5 ही हुआ ना, 5 घंटे के भीतर जो है मान लीजिए यहाँ पर जो है चर्चा करा लिया जाएगा। नहीं, इसमें विभिन्न खंडों में विधेयक को बांटना पड़ेगा। हाँ इसमें विभिन्न खंडों में विधेयक को बांटना पड़ेगा, विभिन्न खंडों में बांटना पड़ेगा, विभिन्न खंडों में
बांटना, विभिन्न खंडों में बांटना। विभिन्न खंडों में बांटकर सिर्फ जितना समय निर्धारित किया गया उसी समय के भीतर चर्चा कराया जाएगा और उस पर मतदान कराया जाएगा। इस चीज को हम लोग जो है गिलोटिन बोलते हैं। ठीक है, ये तीन प्रक्रिया ध्यान रखिएगा, मिलाने उलाने को आता है। अब इसमें जो है हम लोग पढ़ रहे थे विधेयकों का समाप्त होना, लैप्सा बिल, विधेयकों का किस तरह से स्पीकर सब दलों की सहमति से करता, पहले ही कर लेगा। हाँ, ये समझ लीजिए, हम लोग क्लास शुरू हुआ तो क्लास शुरू करते समय पहले ही डिसाइड कर लिए कि रोज टेस्ट होगा। पहले डिसाइड हो गया कि रोज 3 घंटा क्लास किया जाएगा, रोज टेस्ट होगा। अब मान लीजिए सब लोग नहीं मानते, बोलते नहीं सर रोज मत लीजिए, जानते हैं बहुत टेंशन हो जाएगा, हफ्ते में एक ही दिन लीजिए। अब मान लीजिए कोई तैयारी नहीं होता टेस्ट देने के लिए, तो हम भी हफ्ते में एक दिन कर लेते। सब लोग बोले कि नहीं भाई बहुत अच्छा सर, रोजाना ही प्रैक्टिस हो जाए। तो अब पहले ही डिसाइड कर लिया गया ना, अब पहले हम डिसाइड कर लिए कि भाई 30-32 क्लास चलेगा, हम लोग कोर्स पूरा करेंगे। तो कोर्स पूरा करेंगे, बस कार्रवाई हम लोग शुरू कर दिए। तो यहाँ पर स्पीकर पहले ही सर्वदलीय बैठक बुलाकर डिसाइड करेगा। अब बाद में सदन के भीतर कोई दल वाला ही नहीं बोलेगा कि नहीं 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 मनाएगा, ये नहीं। जैसे आप ही लोग घर से बोल देते हैं कि अब हम जा रहे हैं आईएएस पीसीएस तैयारी करने, अब बीच में साल 2 साल के बाद बोलते हैं, जानते हैं गार्जियन को सोच लीजिए, गार्जियन को कितना गुस्सा आता होगा। या तो नहीं शुरू किए होते, या तो खत्म करिए, या तो मत शुरू करिए, या तो खत्म करिए मामला। गार्जियन बेचारा गाँव में अब क्या कहेगा, सोचिए गार्जियन के बारे में कभी सोचे हैं? सबसे ज्यादा गार्जियन परेशान होता है, मैं आपको सही बता दूं। हम लोग क्या परेशान होते, कुछ नहीं। हम बताएं ना कि हमारे घर पर जैसे चाचा जी आईएएस या भाई साहब मान लीजिए आईआरएस, बच्चा बहुत कम परेशान होता है। देखिए गांव देहात की स्थिति यह है कि बेचारा गार्जियन जो है, मैं बताया ना कि हमारे पिताजी जिसके घर में अधिकारी होता है ना, तो उसके घर में समस्या एक होता है कि कोई भी पढ़ाई करेंगे तो सब लोग आशा लगाए रखेंगे कि आईएएस पीसीएस बन जाए। एक सबसे बड़ी बीमारी है जो मैं देखता हूँ। लेकिन अब उस व्यक्ति को आप समझा नहीं सकते कि दुनिया में एक नौकरी यही नहीं है, बहुत सारा काम होता है। लेकिन अब वही बात है कि समझा तो सकते नहीं है। अब पिताजी जब आते थे मिलने के लिए या हम जाते थे, तब पिताजी बोलते थे तुम क्या कर रहे हो, कि मैं मास्टर बनूंगा, मुझे वही काम अच्छा लगता है। बोले तुम तैयारी नहीं कर सकते हो, बुद्धि नहीं है इतना। अब मान लीजिए एक बार, दो बार, पांच बार, अब इस तरह से हमको लगा। फिर बड़ी वाली सिस्टर बोलने लगी, क्योंकि बड़ी वाली सिस्टर चंदन है तो आईआरएस है, तो बड़ी वाली सिस्टर बोलने लगी कि तुम जानते हो तैयारी कर लो, पिताजी बहुत दुखी रहते हैं। और पिताजी बोल रहे थे कि हमको वो कमाए चाहे मत कमाए, जीवन में कुछ भी करे हमको नहीं है, एक बार उसका सिलेक्शन हो जाता तो हमारा अरमान रह जाता। अब सब लोग इतना दबाव बना लिए, मैं पीएचडी में, मैं तो डीआरएफ हूँ ना पॉलिटिकल साइंस से, मैं पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करा लिया, सब कुछ कर लिया, 96 की बात है। फिर अब पिताजी दुखी हो गए, मैं छोड़ दिया, हम कि चलिए तैयारी कर लेता हूँ, हटाइए, पहले ही बोल दिए होते, इतना साल में बर्बाद किया, एमए किया, एमफिल किया, लग गया तैयारी में, सिलेक्शन सुन हो गया। फिर मैं पिताजी से बोल दिया, हम कि देखिए हो गया ना सिलेक्शन, बोले हाँ हो गया, अब मैं अपने काम वाला करूँगा, अब मत बोलिएगा। अब देखिए मैं अपना काम वाला करता हूँ, ठीक है, मेरा पढ़ाने का मन करता है, अपना आता हूँ सुबह शाम तक पढ़ाता हूँ जाता हूँ। तो जैसे विधेयकों का व्यपगत होना, लैप्सा बिल, इसका मतलब होता है कि विधेयक कैसे समाप्त होता है। तो जैसे विधेयक के व्यपगत होने का मतलब है, हमारे यहाँ जो है जैसे एक तो सत्रावसान होता है, एक लोकसभा का विघटन होता है, तो हमारे यहाँ सत्रावसान से लंबित विधेयकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक सत्र हुआ, फिर दूसरा सत्र हुआ, फिर तीसरा सत्र, अभी आगे पढ़ाता हूँ, तो सत्रावसान यदि होगा तो उसका विधेयकों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोकसभा के विघटन से ही विधेयक प्रभावित होता है, या राज्यसभा के विघटन से विधेयक प्रभावित होगा, देख रहे हैं ना, जो बोलूंगा वही हाँ में हाँ मिलाएंगे, राज्यसभा का विघटन होगा तो क्यों नहीं बोले। तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि लोकसभा के विघटन से विधेयक प्रभावित होगा, राज्यसभा का विघटन तो होता ही नहीं है। तो पहले कंसेप्ट लिख दीजिए, पहले कंसेप्ट लिखिए कि भारत में सत्रावसान का
भारत में सत्रावसान का लंबित विधेयकों पर प्रभाव नहीं पड़ता है। सत्रावसान का लंबित विधेयकों पर प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल लोकसभा के विघटन का ही, केवल लोकसभा के विघटन का ही विधेयकों पर प्रभाव पड़ता है। तो सत्रावस्थान का विधेयकों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल विघटन का प्रभाव पड़ेगा, केवल विघटन का प्रभाव पड़ता है। और देखिए ब्रिटेन में जो है सत्रावस्थान और विघटन दोनों का प्रभाव पड़ता है। भले हम लोगों ने ब्रिटेन से प्रक्रिया लिया है, लेकिन ब्रिटेन में सत्रावस्थान से भी विधेयक समाप्त हो जाता है। देखिए भी दीजिएगा कि ब्रिटेन में विघटन तथा सत्रावस्थान दोनों से, ब्रिटेन में विघटन तथा सत्रावसान दोनों से विधेयक समाप्त हो जाते हैं। विघटन तथा सत्रावसान दोनों से विधेयक समाप्त हो जाते हैं। अब समझिए, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई विधेयक जो है वह लोकसभा में प्रारंभ हुआ है, लोकसभा में प्रारंभ हुआ मतलब लोकसभा में प्रारंभ हुआ का मतलब लोकसभा में रखा गया, पहले रखा गया, पहले रखा गया लोकसभा में। अब लोकसभा में रखा गया इसका मतलब यह हुआ कि लोकसभा में ही प्रारंभ हुआ है, लोकसभा में ही लंबित है, लोकसभा में ही लंबित है, लोकसभा में ही पेंडिंग है। तो यहां पर इसका मतलब कि राज्यसभा में नहीं गया है, मतलब यही तो हुआ भाई, लोकसभा में हमने रखा पहले, इसका मतलब कि राज्यसभा में यहां पर लंबित है, पेंडिंग है, तो इसका मतलब राज्यसभा में नहीं गया। और मान लीजिए अब इसका मतलब ये भी तो हुआ कि राज्यसभा से लोकसभा में नहीं आया, ये भी हो सकता है ना। हाँ ठीक, बढ़िया, इतना ही बोल रहा हूं, इतना ही दिमाग लगाना है। तो यदि ऐसी परिस्थिति है तो ये जो विधेयक है तो विधेयक जो है समाप्त हो जाएगा, विधेयक समाप्त होगा, मतलब लोकसभा के विघटन से विधेयक समाप्त हो जाएगा, नंबर एक। कोई विधेयक लोकसभा में प्रारंभ हुआ और लंबित है, कोई विधेयक लोकसभा में प्रारंभ हुआ और लंबित है, लोकसभा में प्रारंभ हुआ और लंबित है, ब्रैकेट में न तो राज्यसभा से आया न तो राज्यसभा में गया, न तो राज्यसभा से आया न तो राज्यसभा में गया, देखे बंद, लोकसभा के विघटन से समाप्त हो जाता है। भाई सत्रावसान से तो कोई विधेयक समाप्त नहीं ना होगा, लोकसभा के विघटन से विधेयक समाप्त होगा, तो लोकसभा के विघटन से विधेयक समाप्त हो जाता है। अब देखिए दूसरा चीज, मान लीजिए राज्यसभा में कोई विधेयक जो है प्रारंभ हुआ और राज्यसभा से प्रारंभ हुआ, यहां से पारित हो गया, यहां से पारित हो गया, पारित होने के बाद ये लोकसभा में चला गया, लोकसभा में लंबित है, लोकसभा में लंबित है, कोई विधेयक राज्यसभा में रखा गया, राज्यसभा से पारित हो गया, राज्यसभा से पारित होने के बाद लोकसभा में चला गया, लोकसभा में लंबित है, यह विधेयक भी समाप्त हो जाएगा। और कंसेप्ट क्या है कि यदि लोकसभा को टच कर लिया है तो विधेयक समाप्त हो जाएगा, एक लाइन का कंसेप्ट यही ध्यान रखना है कि लोकसभा को छू लिया किसी बहाने तो खत्म। भाई तो लोकसभा में ही प्रारंभ हुआ है तो लोकसभा में टच कर गया,
यहां पर देख रहे हैं कि राज्यसभा से पारित हो गया, फिर जाकर लोकसभा को छू लिया, खत्म। नंबर दो, कोई विधेयक राज्यसभा में प्रारंभ हुआ, राज्यसभा में प्रारंभ हुआ, पारित हो गया और लोकसभा में चला गया जहां लंबित है तो वह विधेयक समाप्त हो जाएगा। अब बार बार लोकसभा के बिघटन लिखने की जरूरत नहीं है, वह विधेयक समाप्त हो जाएगा, मतलब लोकसभा के बिघटन से वह विधेयक समाप्त हो जाएगा। वो तो अंडरस्टूड है ना कि बिघटन से ही विधेयक समाप्त होता है। अब देखिए, अब मान लीजिए, अब ऐसा कंडीशन लिया जाए कि लोकसभा को टच ना करता हो, मान लीजिए राज्यसभा में कोई विधेयक जो है प्रारंभ हुआ, यहीं पर लंबित है, इसका मतलब ये हुआ ये लोकसभा में न तो गया न तो लोकसभा से इधर आया, यहीं पर रखा गया, यहीं पर लंबित है, न तो लोकसभा से आया न तो लोकसभा में गया। यह विधेयक लोकसभा को टच किया नहीं किया, इसका मतलब कि यह विधेयक बना रहेगा, लोकसभा के बिघटन के बाद भी यह विधेयक बना रहेगा। पूछा है 2 साल पहले आईएएस में, चार स्टेटमेंट दिया था, कौन सा? कोई भी विधेयक, धन विधेयक हो, वित्त विधेयक हो, संशोधन विधेयक हो, कोई भी हो, एक सामान्य विधेयक कैसे लैप्स कर जाता है वो हम लोग बता रहे हैं। मनी बिल में, जैसे मैं कह रहा हूं विधेयक का समापन मैं बता रहा हूं, कोई मान लीजिए धन विधेयक है, धन विधेयक लोकसभा में प्रारंभ होता है, लोकसभा में लंबित है, अब लोकसभा में लंबित है और उसी दौरान जो है लोकसभा का विघटन हो गया, विधेयक क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। लोकसभा से समाप्त हो जाएगा। ये बताया तो हूं, ये अभी बताता हूं। यहां मैं समझा रहा हूं कि विधेयक कैसे समाप्त होता है, अभी सब विधेयक पढ़ाऊंगा। आप लोग ऐसे समझिए, मान लीजिए विधेयक 4 तरह के होते हैं, विधेयक कैसे समाप्त होता है, कैसे लैप्स होता है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। ये प्रक्रिया सब विधेयक पर लागू होता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए, अब चौथा कंडीशन लीजिए कि मान लीजिए कोई विधेयक है और यदि मान लीजिए लोकसभा में, जैसे दोनों सदन का, ऐसे बताता हूं कि कोई कंडीशन अभी वो बता रहे थे वही वाला कंडीशन मैं लिख देता हूं। अच्छा, लोकसभा में लंबित है, हाँ ठीक है, मान लीजिए राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में चला गया, वहां पर लंबित है, खत्म। मान लीजिए लोकसभा में कोई विधेयक रखा गया, ऐसे समझिए, हाँ लोकसभा में विधेयक रखा गया, यहां पर पारित हो गया, अब पारित होने के बाद राज्यसभा में चला गया, राज्यसभा में लंबित है, तो विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। लिख दीजिए, लोकसभा में विधेयक रखा गया, पारित हुआ, लोकसभा में विधेयक रखा गया, पारित हुआ, राज्यसभा में गया, यहां लंबित है, तो लोकसभा के विघटन से विधेयक समाप्त हो जाएगा। आर्टिकल तो नहीं, संसदीय प्रक्रिया का चीज है, प्रासेस अनुच्छेद 118(1) के तहत बनाया गया है। मैं बताया ना कि सब संविधान में नहीं लिखा है, हाँ नियमावली में भी है, संसदीय प्रक्रिया जो पार्लियामेंट्री प्रासेस है उसमें है। यही तो चीज होता है कि हम लोग जैसे सामान्य रूप से किताब पढ़ लिए, अब और क्या,
ये हम संविधान पढ़ा रहे हैं, दे रखा है बहुत सारा चीज, दे भी रखा है। यहाँ अटकिन मत याद रखिएगा, बहुत सारा चीज और भी है, जगह जगह पर बहुत सारा चीज दे रखा है, सबको एक जगह करके बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अब पांचवा कंडीशन समझिए, इसमें अनुच्छेद मत याद करिएगा, इसमें कंसेप्ट याद रखना। पूछ चुका है हर 3 साल पर आइए, इसमें से क्वेश्चन आता है, 4 स्टेटमेंट लिखता है, बोलता है कौन सा सत्य है। विधेयकों के व्यापगत होने का प्रावधान संविधान में उल्लिखित, सही बात है, क्योंकि अनुच्छेद 118 के तहत तो है ही है, सब बनाया गया है। अब यह देखिए बहुत सारा चीज लिखा भी गया है। अब देखिए यहां से मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा से राज्यसभा से दोनों से पारित हुआ, दोनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास चला गया, राष्ट्रपति के पास लंबित है, मान लीजिए राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर नहीं किया है, ऐसी दशा में यह विधेयक बना रहेगा, क्योंकि राष्ट्रपति के पास चला गया है, लोकसभा का विघटन हो गया तो राष्ट्रपति के पास बना रहेगा। एब्सोल्यूट वीटो पढ़ाया था, अब बोला था कि नई सरकार का वेट करता है, जब नई सरकार आती है तो नई सरकार से पूछता है, उसके बाद जो है उस पर हस्ताक्षर करता है, एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करता है। अब जोड़िए सब जो पढ़ाया उसको जोड़ना पड़ेगा ना। नंबर 5, दोनों सदनों से पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, दोनों सदनों से पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर नहीं किया है, तो वह विधेयक बना रहता है। तो वह विधेयक बना रहता है। लोक जनता का सदन लोकसभा है, ऐसे सामने लोकसभा को अधिकार है, इसीलिए लोकसभा से टच करने को खत्म कर दिया जाता है। दूसरा लोकसभा आएगी तो दूसरे हिसाब से विचार करेगी। अब इसे मान लीजिए यहां पर उस दिन मैं समझाया था कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, और राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज दिया और उसी दौरान लोकसभा का विघटन हो गया, तभी भी समाप्त नहीं होगा, नई लोकसभा आएगी और उस पर विचार करेगी। यदि राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेज दिया और उस दौरान लोकसभा का विघटन हो गया तो नई लोकसभा आएगी और उस पर विचार करेगी, मन करे तो पारित करे, मन करे तो पारित न करे। नंबर 3-4 जो भी है, यदि राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेजा है और उसी दौरान लोकसभा का विघटन होता है तो वह व्यापगत नहीं होगा, लेकिन में नई लोकसभा जब आएगी तो उस पर विचार करेगी। हाँ। अब जा देखिए, यदि मान लीजिए राष्ट्रपति ने, अभी पढ़ाता हूं, राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक बुलाने की घोषणा कर दिया, राष्ट्रपति ने कह दिया मान लीजिए कि 20 मई को संयुक्त बैठक होगा, अब पता चले कि 10 अप्रैल को ही जो है लोकसभा का विघटन हो गया, इसी कारण से 10 अप्रैल को ही लोकसभा का विघटन हो गया, 20 मई को बैठक होना है संयुक्त बैठक,
यदि राष्ट्रपति ने ऐसा कह दिया है, संयुक्त बैठक बुलाने की घोषणा कर दिया है, तो संयुक्त बैठक होगा, पुराने सदस्य आएंगे, चर्चा और मतदान करेंगे, विधेयक पारित हो चाहे मत पारित हो, प्रक्रिया चलेगी। इसको हम लोग लैमडक सेशन कहते हैं, पंगु सत्र कहते हैं, इसको हम लोग जो है लैमडक सेशन कहते हैं, लैमडक सेशन कहते हैं, पंगु सत्र कहते हैं। लिख दीजिए अगला पॉइंट। यदि राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक बुलाने की घोषणा कर दिया है, यदि राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक बुलाने की घोषणा कर दिया है और उसके पहले ही लोकसभा का विघटन हो जाता है, और उसके पहले ही लोकसभा का विघटन हो जाता है, उसके पहले ही लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो निश्चित समय पर बैठक होगी, निश्चित समय पर बैठक होगी, पुराने सदस्य चर्चा तथा मतदान में भाग लेंगे, पुराने सदस्य चर्चा तथा मतदान में भाग लेंगे, इसे पंगु सत्र कहा जाता है। इसे पंगु सत्र कहा जाता है। जैसे आपको ध्यान होगा पढ़ाया था कि मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा से कोई, जैसे मान लीजिए पंचायत है, जो 73वां संविधान पंचायती दिवस का बोली जल्दी से, आज 24 अप्रैल है ना, तो 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती दिवस मनाते हैं। तो मान लीजिए पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वें संशोधन द्वारा, नगर निकाय को 74वें संशोधन द्वारा दर्जा दिया गया, तो अब मान लीजिए ये विधेयक राज्यों से भी तो पारित हुआ था, तो राज्यों से पारित हुआ था, तो ऐसी दशा में मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा से कोई प्रस्ताव पारित करके राज्यों के पास भेज दिया गया और उसी दौरान लोकसभा का विघटन हो गया, तो वह प्रस्ताव बना रहेगा, वह प्रस्ताव व्यपगत नहीं होता है। नहीं समझाया? कोई संविधान संशोधन का जो है तीसरा वाला कैटेगरी है, जिसमें जो है लोकसभा राज्यसभा दोनों से प्रस्ताव पारित होने के बाद आधे और आधे से ज्यादा राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए। राज्यों का अनुसमर्थन किस बहुमत से? साधारण बहुमत से। तो राज्यों का अनुसमर्थन साधारण बहुमत से, अब मान लीजिए राज्यों के पास भेज दिया गया, उसी दौरान लोकसभा का विघटन हो गया, तो वह समाप्त नहीं होगा। हाँ, राजीव गांधी साहब ने जो है खेल किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। तो खेल के संबंध में उन्होंने जो है लोकसभा राज्यसभा से विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करा दिया। अब विशेष बहुमत का मतलब बताया था ना, उसमें दो कंडीशन होता है। सबसे पहले कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पारित होना चाहिए, उसके बाद उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 से पारित होना चाहिए, और उपस्थित तो मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 कुल सदस्य संख्या के बहुमत से ज्यादा होना चाहिए, विशेष बहुमत कहा जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए राज्यों के पास चला गया और राज्य उसको 2009 तक कुछ नहीं बोले और इस तरह से वो संशोधन नहीं हो पाए, मतलब राजीव गांधी का मानना था कि हम जो है हर जिले में एक स्टेडियम बनाएंगे, हम फंड करेंगे, हर जिले में एक जो है अच्छा स्टेडियम बनेगा, जैसे मान लीजिए ब्रिटेन में है, अमेरिका में है, जर्मनी में है, हर काउंटी में वहाँ पर बड़े बड़े स्टेडियम हैं। अब देखते तो कितने जिले यूपी में, बिहार में ऐसे हैं जहाँ पार्क नहीं है जो व्यक्ति जाके टहल सके, बाकी तो छोड़ दीजिए। अब अच्छा थोड़े लगता है, मान लीजिए आप भी लोग नौकरी करेंगे, किसी जिले में पोस्टिंग होगा, कहीं जाएंगे, अब ये सोचिए कोई पार्क नहीं अच्छा से होगा तो कैसा लगेगा, अच्छा थोड़ा लगेगा। नहीं बना तो है, अभी भी वो तो जहां भी अधिकारी रहते, अब मुरादाबाद में देखिए, मुरादाबाद में जैसे मैं देखा कि जो है जो डीएम ऑफिस के बगल में, जो कचहरी के बगल में बड़ा सा पार्क बना है, वो बाद में बना है, तब अधिकारी ट्रांसफर करके जाते थे, बोले टोटा के सब पार्क बनाओ तो बड़ा सा उसको सुबह टहलने घूमने का रहेगा, वो तो मान लीजिए वो तो बनवा ही लेते, लेकिन हमें कहते हैं कि अब वो समस्या क्या होता है कि उसमें बच्चे जाके खेल नहीं सकते, तो अब उनका मानना था लेकिन नहीं हो पाया,
और इस तरह से देखिए आज तक समस्या बनी रही। जब कंप्यूटर लाए थे तो देखिए कितना हंगामा हुआ था कि तो सब नौकरी चली जाएगी। कोई भी चीज है, जैसे मान लीजिए अभी नया चीज आया, ठीक है, हमको भी दिक्कत थोड़ा हो रहा है, अभी अब 5-7 दिन में सब ट्रेंड हो जाऊंगा, उसमें कौन सी बात है। ऐसा नहीं है ये। देखिए सब सरकारें ठीक है उसकी बात नहीं है, हमारा यह है कि सरकार जो भी है सरकार की उचित आलोचना होनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार आए, बीजेपी की आए, समाजवादी पार्टी की आए, किसी की भी आए, आलोचना होनी चाहिए। और कहा जाता है कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, ये तो स्वाभाविक सी बात है। घर में मान लीजिए आपकी माता जी हैं, पिताजी डांटते होंगे, या मान लीजिए माता जी पिताजी को कुछ कहती होंगी, तो अच्छे पिताजी होंगे तो कुछ नहीं बोलते होंगे। ऐसे में सुबह सुबह आज घर पे जो है थोड़ा सा लेट हो रहा था जल्दी से, और ये लोग घी का डिब्बा रखे हुए थे किचन में, ऐसे हाथ से हमारे लग गया, गिर गया वो, अब मुझको आना था, बड़बड़ाना तो स्वाभाविक बात है। अब तो हम बोले अब जो होना था हो गया, अब जो होना तो मैं चल रहा हूँ भैया, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उसके बारे में अब सोचूं। अब देखिए अब जैसे मैं बता, अच्छा वो लिख दीजिए तुम अगला पॉइंट। यदि कोई संशोधन विधेयक, यदि कोई संशोधन विधेयक, देखिए मैं थर्ड कैटेगरी, यदि कोई संशोधन विधेयक ब्रैकेट में तीसरी प्रक्रिया वाला, कोई संशोधन विधेयक ब्रैकेट में तीसरी प्रक्रिया वाला ब्रैकेट बंद, संशोधन विधेयक राज्यों के पास, संशोधन विधेयक पूरा लिखवाता हूँ, संशोधन विधेयक लोकसभा राज्यसभा से विशेष बहुमत से पारित होकर, लोकसभा राज्यसभा से विशेष बहुमत से पारित होकर राज्यों के पास भेज दिया गया है, और उसी दौरान लोकसभा विघटित हो जाती है, वह विधेयक व्यपगत नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि लोकसभा में जो भी प्रस्ताव हैं, संकल्प हैं, इस तरह की जो भी चीजें पड़ी हुई हैं, मान लीजिए कोई प्रस्ताव रखा गया है उस पर चर्चा नहीं हुआ है, कोई मान लीजिए सबों के लिए संकल्प रखा गया उस पर चर्चा नहीं हुआ है, ये सब लोकसभा के विघटन से समाप्त हो जाते हैं, ठीक। लेकिन सरकार द्वारा दिया गया जो आश्वासन है, आश्वासन समाप्त नहीं होता है। जैसे मोदी साहब ने कह दिया कि स्मार्ट सिटी बनेगा, बुलेट ट्रेन चलेगा, मोदी साहब ने कहा सदन के भीतर, अब मान लीजिए मोदी साहब नहीं प्रधानमंत्री बन पाते हैं तो फिर नई सरकार आएगी तो उस पर चर्चा करेगी भाई, बुलेट ट्रेन बनाने का बात जो है पुरानी सरकार ने किया था, स्मार्ट सिटी बनाने का बात किया था, हम लोग उस पर क्या क्या कर सकते हैं, उस पर चर्चा जरूर होगा। आश्वासन समाप्त नहीं होता है, संकल्प समाप्त हो जाएगा, आश्वासन लिख दीजिए। लोकसभा में लंबित, अगला पॉइंट, लोकसभा में लंबित सभी प्रस्ताव संकल्प लोकसभा के विघटन से समाप्त हो जाते हैं, लेकिन सरकार द्वारा दिया गया आश्वासन समाप्त नहीं होता,
चलिए मतलब उस पर एक बार चर्चा शुरू किया जाएगा जरूर, भले उस सरकार उसको अस्वीकार कर दे। सरकार का आश्वासन एक तरह से खत्म नहीं होगा, उस पर चर्चा होगा, सरकार माने चाहे मत माने वो दूसरी बात है। भाई देखिए, कोई सरकार कोई निर्णय लेकर जाती है, उसकी जगह पर दूसरी सरकार आती है, तो सरकार ने निर्णय लिया है, सरकार ने निर्णय लिया है, इसलिए दूसरी सरकार उस पर विचार करती है। अचानक सब समाप्त नहीं हो जाएगा, अचानक सब समाप्त नहीं होगा, सरकार भी कुछ सोच समझ के निर्णय ली होगी। पढ़ाऊंगा, एकदम निश्चिंत रहिए, अंतिम दिन तक कुछ छूटेगा नहीं, बोला हूं कि सब पढ़ा के जाऊंगा। हमारा खुद भी मन करता है कि सब पढ़ाएं, क्वेश्चन पढ़ा हुआ आए, उस दिन हम भी फोन ऑन रखें, हमारी खुद की भी इच्छा रहती है। जिस दिन परीक्षा हो रहा है फोन बंद कर दिए, बच्चा मिला रहा है, दो तीन दिन तक गायब हो गए, चार दिन के बाद मुखर्जी में आए, और फिर उसके बाद वीडियो बना के लेक्चर दे रहे हैं, जानते हैं इस बार यूपीएससी ने ट्रेंड बदल दिया, आइए बताते हैं स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अगली परीक्षा की। अरे हम बर्बाद हो गए, आपको अगली परीक्षा की पड़ी है आपके चक्कर में, पढ़ा दिए होते इतना जब स्ट्रेटजी जान रहे थे, इतना जब भगवान ने ज्ञान दिया था तो पहले ही बता दिए होते, क्यों बर्बाद करवा दिए। भाई हमको कुछ आता है तो मैं पहले सिखा के आपको ठीक करूंगा ना, 15-20 मई तक जो भी है सब ए टू जेड सिखा दूंगा। आप पेपर लेके आएंगे ये भी बात बोलूंगा कि जो हमारी योग्यता क्षमता थी हमने पढ़ाया, हमने प्रैक्टिस कराया, एक दो क्वेश्चन नहीं पढ़ाया है कि मान के चलिए हमारी योग्यता क्षमता नहीं थी, स्पष्ट जाने। अब उसमें ये नहीं कि क्वेश्चन घुमा दिया, घुमा दिया तो मास्टर किस बात का, मास्टर का मतलब मास्टर, मास्टर का मतलब मास्टर कहा जाता है ना कि मास्टर है, मास्टर का मतलब मास्टर। अब ये नहीं कि कोई मैथ का क्वेश्चन हम पूछ दिए आप कह रहे हैं मैं मैथ का मास्टर हूँ, अरे तू लग क्यों नहीं रहा है मैथ का मास्टर है, लगाइए है? हाँ ये चीज होता है, तभी तो बोला हूँ कम से कम 2-3 सब्जेक्ट में मास्टरी करिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटी, इतना भयंकर मास्टर हो जाइए कि पीटीयूटी का कोई मतलब नहीं, वहीं रास्ते में ही पेपर ऊपर फेंक के इस बार आइए, वहीं पेपर दे के वहीं फेंक दीजिएगा, भाई पेपर पर नहीं ले जा रहे हैं, अब जा रहे हैं घर 2-4 दिन घूम घूम के आएंगे, ये चीज़ होना चाहिए। ये नहीं कि पेपर दे के आके फिर शाम को मिला रहे हैं, मिलाते मिलाते पेपर फट गए, कितने लोग फोटो छिका के रख लिए, क्योंकि मिलाने से एक पेपर फट जाएगा, अंत में रिजल्ट वही हुआ जिसका डर था, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जा चलिए साधारण विधेयक, साधारण विधेयक अभी भी समय है इसलिए बोल रहा हूँ, उधर जाइए। साधारण विधेयक अब यह देखिए साधारण विधेयक क्या है, साधारण विधेयक का मतलब है कि ऐसा विधेयक जिसके पारित होने से जो है सामान्य कानून बनता है, जैसे मान लिया RTI बना, खाद्य सुरक्षा कानून बना, ऐसा विधेयक जिसके पारित होने से, जिसके पारित होने से साधारण कानून बनता है, जैसे खाद्य सुरक्षा कानून, जैसे खाद्य सुरक्षा कानून, RTI, तमाम चीजें। अब ये जो साधारण विधेयक है ये जो है निजी विधेयक भी हो सकता है और सरकारी भी हो सकता है, ये निजी विधेयक भी हो सकता है और सरकारी विधेयक भी हो सकता है, सरकारी विधेयक भी हो सकता है। अब जा देखिए, अब हम लोगों ने मान लिया कि ये सरकारी विधेयक है, हमने मान लिया कि ये सरकारी विधेयक है, अब सरकारी विधेयक है तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अब यहाँ पर एक पहले सामान्य अवधारणा बनाइए थोड़ा सा, कोई भी सरकारी विधेयक है चाहे कोई निजी विधेयक है तो सामान्यतः जैसे मान लीजिए ये जो सिंपल बिल है, ये जैसे लोकसभा है राज्यसभा है, तो हमने मान लिया कि लोकसभा में रखा गया, तो लोकसभा में 3 चरणों से गुजरता है, फर्स्ट रीडिंग सेकेंड रीडिंग
थर्ड रीडिंग, पहले कंसेप्ट बनाइए कि कोई भी सिंपल बिल है लोकसभा में रखा गया तो तीन चरणों से गुजरेगा, तीन वाचनों से गुजरेगा, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, पहले समझिए बाद में फोटो खींच लीजिएगा, सब किताब में लिखा है, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। इसके बाद अब स्पीकर हस्ताक्षर करेगा, इसके बाद ये जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा में भी प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, तीनों वाचनों से गुजरेगा, फिर इसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। और सिंपल बिल को राष्ट्रपति चाहे तो एक बार पुनः विचार के लिए भेज सकता है, और राष्ट्रपति ने यदि हस्ताक्षर कर दिया तो कानून बन जाएगा। ये हमारे यहाँ एक सामान्य प्रक्रिया। अब इसी को मैं समझा रहा हूँ कि मान लीजिए ये विधेयक जो है लोकसभा में पहले रखा गया, लोकसभा में पहले रखा गया, ठीक। अब लोकसभा में पहले रखा गया तो यहां पर प्रथम चरण चलेगा, प्रथम वाचन, फर्स्ट रीडिंग, प्रथम वाचन। अब प्रथम वाचन का क्या मतलब है? प्रथम वाचन का मतलब होता है कि सदन में विधेयक को इंट्रोड्यूस करना, इस बात को हम लोग प्रथम वाचन कहते हैं। और सामान्यतः विधेयक को सदन में रखने के दो दिन पहले इसकी प्रति जो है वो देखा जाए तो सदस्यों को दे दिया जाता है, महासचिव को भी दो चार दिन पहले उपलब्ध करा दिया जाता है, और फिर इसको गजटी ऑफ इंडिया में प्रकाशित करा दिया जाता है। जैसे स्पीकर बोलेगा, जैसे मान लीजिए आप मंत्री हैं, आपने विधेयक रखा, मान लीजिए स्पीकर यहाँ पर बैठा हुआ है, तो स्पीकर आप बोलेंगे कि भाई इस विधेयक को मैं सदन में रखने की अनुमति प्राप्त करना चाहता हूँ, तो विधेयक बोलेगा कि ठीक है, हम अनुमति देते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है उसको जो है प्रथम वाचन कहा जाएगा। इस प्रथम वाचन का मतलब हुआ कि विधेयक को सदन में प्रस्तुत कर दिया गया, स्पीकर ने स्वीकार कर लिया, और इसकी प्रति को गजटी ऑफ इंडिया में प्रकाशित करा दिया गया, और इसकी प्रति सामान्यतः सदस्यों को उपस्थित करा दिया गया। इस समस्त प्रक्रिया को हम बोलेंगे प्रथम वाचन। अब यहां पर प्रथम वाचन के नीचे दो लाइन लिख दीजिए, प्रथम वाचन में दो लाइन लिख दीजिए, इसमें विधेयक को सदन में रखने की अनुमति प्राप्त की जाती है, इसमें विधेयक को सदन में रखने की अनुमति प्राप्त की जाती है, स्पीकर की अनुमति मिलने के बाद, स्पीकर की अनुमति मिलने के बाद, स्पीकर की अनुमति मिलने के बाद, स्पीकर की अनुमति मिलने के बाद भारत सरकार के गजट में इसे प्रकाशित कराया जाता है, भारत सरकार के गजट में इसे प्रकाशित कराया जाता है। ब्रैकेट में विधेयक रखने से पहले इसकी प्रति सभी सदस्यों महासचिव आदि को उपलब्ध करा दिया जाता है, सदस्यों महासचिव आदि को उपलब्ध करा दिया जाता है। देखिए, जो विधेयक पर विचार करने की जो प्रक्रिया है उसको वाचन कहा जाता है। जैसे मैं कहूं कि वाचन क्या है, तो विधेयकों पर विचार करने की प्रक्रिया, मान लीजिए पीटी में पूछ दे कि वाचन क्या होता है, तो विधेयकों पर विचार करने की प्रक्रिया को वाचन कर। रीडिंग का क्या मतलब है संविधान? अब
भारत सरकार गजट में आ गया तो पब्लिक डोमेन में आ गया, गजट के साथ आ गया। और यहां पर जैसे मैं बताया कि जो साधारण विधेयक है तो संविधान में 107 में लिखा हुआ है कि किसी भी सदन में रखा जा सकता है, किसी भी सदन में रखा जा सकता है, किसी भी सदन में रखा जा सकता है। 107 में बात लिखा भी है स्पष्ट रूप से कि किसी भी सदन में आप विधेयक को रख सकते हैं, कोई बात नहीं। साधारण विधेयक चाहे लोकसभा में रखिए चाहे राज्यसभा में रखिए, किसी भी सदन में आप पहले इसको प्रस्तुत कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब समझिए, इसका मतलब हो गया प्रथम वाचन का मतलब यह हो गया कि विधेयक को प्रस्तुत करना, विधेयक का प्रस्तुतीकरण, विधेयक का प्रस्तुतीकरण, विधेयक का प्रस्तुतीकरण। अब इसके बाद आता है द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन ये जो हम लोग पढ़ रहे थे, अब ये हम लोग पढ़ लिए। अब यहां से हम लोग दो नंबर पे आ जाते हैं, सेकंड वाचन। क्योंकि हमने कहा, हमने मान लिया कि विधेयक जो है लोकसभा में पहले रखा गया, ठीक, दो तीन साल पहले यूपीएससी में यही क्वेश्चन एक पूछा था कि सामान्य कानून बनाने की प्रक्रिया का उल्लेख करें 150 साल, इतने ही क्वेश्चन आए थे। और किताबों में इतना उलझा के लिखा है, पढ़िएगा, सिंपल सा ये फिगर बना देना था, चुपचाप उसकी व्याख्या लिख देना था और कुछ नहीं पूछा था, इतने क्वेश्चन पूछा था। यूपीएससी ये चाहता है कि आपने वास्तव में संविधान समझा कि नहीं, सामान्य कानून कैसे बनता है, किसी आम व्यक्ति को आप कैसे समझाएंगे, क्योंकि आम व्यक्ति को बताना पड़ेगा ना कि भाई देखिए विधेयक बनेगा, उसने बताया था विधेयक कैसे बनेगा, कि भाई कोई समस्या आती है तो मंत्रिमंडल की बैठक होती है, मंत्रिमंडल की बैठक होगी तो एक प्रस्ताव बनेगा, प्रस्ताव बनाकर सभी विभाग मंत्रालय के पास भेज दिया जाएगा, सबका रिकमेंडेशन आ जाएगा, सबका रिकमेंडेशन लेकर एक ड्राफ्ट बना दिया जाएगा 2-3 पेज में। अब ड्राफ्टिंग करने के बाद जो है, अब फिर ये अंतरिम, एक तरह से अंतरिम ड्राफ्ट बना है, तो अब ड्राफ्ट जो बन गया, प्रारूप जो बन गया, इसको दो मंत्रालय के पास भेज दिया जाएगा, विधि और न्याय मंत्रालय, दूसरा DOPT। विधि और न्याय मंत्रालय पता कर लेगा कि हम जो कानून बना रहे हैं किसी दूसरे कानून से बेमेल तो नहीं होगा, या जो हम कानून बना रहे हैं उसमें कोई समस्या तो नहीं आएगी, कहीं न्यायालय असंवैधानिक तो घोषित नहीं कर देगा। इन सब मसलों पर विचार विचार करके अपना रिपोर्ट दे देता है, और DOPT पता करके बता देता है कि जो कानून बनेगा वो लागू हो पाएगा कि नहीं, लागू हो पाएगा कि नहीं। 18 घंटे का टाइम टेबल बना दिए, पढ़ पाएंगे कि नहीं, क्या फायदा है, कौन सा NJAC में सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया ना कि भाई ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन है, बनाने की प्रक्रिया में कानून में कोई फॉल्ट थोड़ी ना। सुप्रीम कोर्ट ने बस केवल ये कह दिया कि भाई देखिए, आपके कानून को मैं सिर्फ इसलिए असंवैधानिक घोषित कर रहा हूं क्योंकि न्यायपालिका के कार्य में कार्यपालिका का हस्तक्षेप हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री रहेगा, फिर आप कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है विधि मंत्री रहेगा तो एक हो गया, फिर आप कह रहे हैं कि दो लोगों को हम लोग मनोनीत करेंगे तो 4 लोग आप ही लोग हो गए, 2 लोग हम लोग हो गए, तो सब नियुक्ति आप अपने मनमाना करा लेंगे। ये बताइए कि भविष्य में न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित हो जाएगी ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसलिए उसको बोल रहे हैं कि ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण के बाद DPSP में किया गया है, कौन सा अनुच्छेद 50, ठीक, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथक्करण की बात किया गया, तो ये संविधान की मूल भावना से मेल नहीं खा रहा है, कानून में कोई फॉल्ट नहीं है, आपका मंशा सही है। सुप्रीम कोर्ट तो अभी भी कहता है कोलिजियम व्यवस्था पूर्णतः ठीक नहीं है, नहीं, कानून बनाने की मंशा कि आपने कोलिजियम व्यवस्था को समाप्त करके आप परीक्षा लेने जा रहे हैं, दूसरी व्यवस्था बना रहे हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने कहा, नई अखिल भारतीय जो न्यायिक सेवा है उसका चीफ जस्टिस ने स्वागत किया, बोला बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना, ये सब सिस्टम खत्म होना चाहिए। देखिए आप लोग ऐसा चीज बनाइए जिससे समस्या उत्पन्न न हो, जैसे मान लीजिए दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका का संविधान विश्व का सबसे प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां किसी भी सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट है कोई नियुक्ति इस तरह से नहीं होता, सब प्रतियोगी परीक्षा होता है, सब प्रतियोगी परीक्षा होता है। जैसे DU में पहले क्या होता था, 99% 98% पे होता था, हो गया खत्म ना, CUET का एग्जाम होता है,
लोग एकदम सही हो गए। आइए परीक्षा दीजिए, देखिए। तो अब दिल्ली में जो पढ़ने वाले लोग हैं, मैं देखता हूँ यदि ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं तो उनका एडमिशन भी नहीं होता है DU में, और बेचारे उनका ही एडमिशन नहीं होता, बाहर के लोग आके यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया ना, बढ़िया हो गया, सब लोग परेशान चल रहे थे। मान लीजिए हमें कहते हैं कि अब ठीक कर दिया, अब जो हमें कहते हैं कि तर्कसंगत व्यवस्था है ना, तो अब हम कहते हैं कि यहाँ पर हाई कोर्ट में न्यायाधीश कोई बना, प्रमोशन करके सुप्रीम कोर्ट में गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मैं बता रहा था कि प्रथम वाचन में विधेयक को प्रस्तुत कर दिया जाएगा। अब द्वितीय जो वाचन है, तो द्वितीय वाचन में जो है, द्वितीय वाचन में क्या होता है, एक मिनट, जैसे मान लीजिए अब द्वितीय वाचन है तो विधेयक के मूलभूत सिद्धांतों पर चर्चा शुरू होती है। यहां पर विधेयक के, यहां पर जो है विधेयक के मूलभूत सिद्धांत पर चर्चा, अपने समझिए तब लिखिएगा कि विधेयक जो बनाया गया उसका जो है इंटेंशन क्या है। मूलभूत सिद्धांत का मतलब होता है कि जैसे कोई भी कानून बनता है, या आप लोग पढ़ते हैं, मानिए एक बार दो बार तीन बार फेल हो गए, यदि पढ़ रहे हैं तो गार्जियन कुछ कहता है थोड़ा बोलता है, कोई बात नहीं, ये सब परीक्षा में समय लगता ही है। अच्छा गार्जियन तो देखिए यही बोलेगा आपको, लग गया समय, दो साल लग गया, कोई बात नहीं, इस बार देने का मन है ना, दीजिए, बड़ी परीक्षा है, बड़ा समय लगेगा, बड़ा जुनून चाहिए, उसमें कौन सी बात है, फेल हो गए तो कौन सा ऐसा आफत आ गया। लेकिन आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, ये नहीं कि शाम को जो है इधर दिखाई दे रहे हैं, घूम रहे हैं, घर पे बोल रहे हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों नहीं चलेगा भाई। तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि जैसे वो इंटेंशन सही होना चाहिए, तो यहां पर विधेयक के मूलभूत सिद्धांत पर चर्चा शुरू हुआ। अब विधेयक के मूलभूत सिद्धांत पर चर्चा शुरू हुआ और उसी में हंगामा शुरू हो गया कि नहीं 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 माना जाएगा, सरकार की मंशा दूसरी है, सरकार जो है वो देखा जाए तो कहीं ना कहीं आम जनता का शोषण करना चाहते, कुछ भी अपना लोग हल्ला मचाना शुरू कर दिए। अब यहां पर द्वितीय वाचन में जब ये लोग हल्ला मचाना शुरू कर देंगे तब यहां पर जो है समिति अवस्था होता, समिति अवस्था का मतलब होता है, अब स्पीकर बोलेगा ऐसा है हल्ला मत मचाइए, समितियों के पास भेज देता हूं, अब वो अपना विचार विमर्श करके रिपोर्ट दे देगी। तो यहां पर समिति अवस्था में दो तरह की समितियां जैसे बनती हैं, एक तो प्रवर समिति बनता है, दूसरा जो है संयुक्त प्रवर समिति बनता है, दो तरह की समितियां होती हैं। अब प्रवर समिति का मतलब एक सदन की समिति, इसमें अधिकतम जो है मैक्सिमम जो है वो 30 सदस्य हो सकते हैं, और संयुक्त प्रवर समिति बनेगी तो इसमें जो है 45 सदस्य हो सकते हैं, 30 लोकसभा से और 15 जो है राज्यसभा से, मतलब कि 2:1 का अनुपात यहां रखा जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी मान लीजिए पूछे कि संयुक्त प्रवर समिति में 30 सदस्य रखे गए हैं तो 30 सदस्यों में जो है और राज्यसभा के कितने सदस्य रखे जाएंगे, कुल 30 सदस्य हैं, तो राज्यसभा से जो है संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य रखे जाएंगे, 10 ही तो हुआ, अभी बोला हूं 2:1, तो मान लीजिए 30 सदस्य रखे गए तो 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से, 10 टिक लगाइएगा, 2:1 का अनुपात ना, अधिकतम 45, मान लीजिए 15 रखे गए, 15 टोटल सदस्य रखे गए तो राज्यसभा से कितने होंगे, 5 राज्यसभा से और 10 जो है लोकसभा से। ठीक है, अब यहां पर प्रवर समिति और संयुक्त प्रवर समिति बनेगी। अब लगता है, यदि लग रहा है स्पीकर को कि एक ही सदन में हंगामा होगा, राज्यसभा में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो वह जो है केवल प्रवर समिति बना दे, ठीक, और उसको लगता है कि राज्यसभा में जाएगा तो वहां पर भी हंगामा होगा तो फिर संयुक्त प्रवर समिति भी बना देगा। हाँ, प्रवर समिति बनाया जाएगा तो उसी सदन के लोग जो है अधिकतम 30 होंगे, और मान लीजिए संयुक्त प्रवर समिति बनाया जाएगा तो दोनों सदन के सदस्य रखे जाएंगे, तो लगता है कि राज्यसभा में भी हंगामा होगा तो फिर संयुक्त प्रवर समिति बना देगा। अब ये समितियां अपनी रिपोर्ट दे देंगी, 10 दिन 5 दिन में अपनी रिपोर्ट दे देंगी, और फिर इस रिपोर्ट को जब दे देंगी
तो रिपोर्ट देने के बाद अब यहां पर जो है रिपोर्ट स्टेज शुरू होता है, रिपोर्ट स्टेज शुरू होता है, रिपोर्ट अवस्था, रिपोर्ट स्टेज शुरू होता है। और रिपोर्ट स्टेज जब शुरू होता है तो यहीं पर जो है रिपोर्ट स्टेज में ही जो है चर्चा और मतदान होता है, रिपोर्ट स्टेज में जो है चर्चा और मतदान होता है, चर्चा तथा मतदान। इसी में गर्मा गर्म बहस होगी जो हल्ला सब लोग मचाते हैं जबरदस्त वाला, तो यहीं पर सब होता है। क्लियर हुआ? ऐसे बना लीजिए, ये हो गया दो समिति अवस्था, इसमें प्रवर समिति, संयुक्त प्रवर समिति, और दूसरा हो गया रिपोर्ट स्टेज। 30, 45 और 2:1 का अनुपात रखा जाएगा। अब देखिए, अब ये द्वितीय वाचन से जो है अब ये प्रक्रिया पूरी हो गई, मान लीजिए पारित हो गया। अब पारित हो गया तो इसके बाद ये चलेगा तृतीय वाचन, इसके बाद चलेगा अब तृतीय वाचन, तृतीय वाचन, इसके बाद चलेगा तृतीय वाचन, तुम्हारी। कोई पूछता है पीटी में कि प्रवर समिति का मुख्य कार्य क्या है, तो विधेयकों पर चर्चा करना, ये तो ठीक लगाएंगे। प्रवर समिति का मुख्य कार्य क्या है? विधेयकों पर चर्चा करना, सेलेक्ट कमेटीज को कहा जाता है। सेलेक्ट कमेटी विधेयकों पर चर्चा करना, ये टिक लगाइएगा। अभी नहीं कि बताएंगे कि सर समिति है तो और भी तो काम कर सकता है, और कुछ नहीं कर सकता है, विधेयकों पर चर्चा करना ही इसका मुख्य कार्य है। क्योंकि वो तो सही लिखेगा, सब लगभग मिलता जुलता, जो जो आप सोच सकते सब लिख देगा। कि कैग की रिपोर्ट पर विचार करना, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो है जो कहेगा उस पर विचार करना, वो तो विधेयक बनाने के बारे में बताए थे, कल नहीं आए थे, नोट कर लीजिएगा। हाँ, यदि मान लीजिए डिस्प्यूट नहीं हो रहा है तो सीधे रिपोर्ट स्टेज चलेगा, और सीधे रिपोर्ट स्टेज में चर्चा और मतदान हो जाएगा। संयुक्त प्रवर समिति में केवल जो रखे गए वो लोग चर्चा करेंगे, यहां पर पूरा सदन चर्चा और मतदान में भाग ले रहा है। अब प्रवर समिति का गठन कौन करता है? लोकसभा में है तो स्पीकर करेगा, और संयुक्त प्रवर समिति का गठन स्पीकर करेगा। और यहां पर जो है वो देखा जाए तो जब प्रवर समिति, संयुक्त प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट दे देती है, तो रिपोर्ट देने के बाद यह जो है समिति क्या होती है, अपने आप समाप्त हो जाती है। तो ये जो प्रवर समिति, संयुक्त प्रवर समिति है, वह जो है एडहॉक कमेटी कहा जाता है, तदर्थ समितियां कहा जाता है, अस्थायी समितियां कहा जाता है। इसका कौन अध्यक्ष बनेगा? स्पीकर मनोनीत कर देता है। अब तृतीय वाचन समझिए, हाँ, अब तृतीय वाचन समझिए। तृतीय वाचन का मतलब यह होता है कि यहां पर एक बार सामान्य चर्चा होती है कि भाई अब तो कानून जो बनना था वो तो बन गया। एक बार सामान्य चर्चा का मतलब विधेयक को पढ़ा जाता है। अब विधेयक को पढ़ने का उद्देश्य होता है कि कोई यदि शाब्दिक त्रुटि रह गई है, कोई यदि मान लीजिए व्याकरणी त्रुटि रह गई है, कहीं पर जो है शाब्दिक परिवर्तन करने की आवश्यकता है, तो ये सब जो है चीजें यहाँ पर किया जाता है। जैसे मान लीजिए शब्द लिखा गया नहीं समझ में आ रहा है, सरल कर दीजिए शब्द, कानून तो बन गया है, यहां पर केवल शाब्दिक त्रुटि, व्याकरणी त्रुटि या मान लीजिए वाक्यों को ठीक करना, इस तरह के कार्यों को जो है तृतीय वाचन में किया जाता है। लिख दीजिए तृतीय वाचन में, इसमें विधेयक को पुनः पढ़ा जाता है, विधेयक को पुनः पढ़ा जाता है, अर्थात सामान्य चर्चा होती है।
इसमें शाब्दिक, व्याकरणीय, इसमें शाब्दिक, व्याकरणीय, शाब्दिक व्याकरणीय त्रुटियों को दूर किया जाता है। शाब्दिक और व्याकरणीय त्रुटियों को दूर किया जाता है और आवश्यक होने पर भाषा में परिवर्तन भी होता है। और स्पीकर हस्ताक्षर करता है, इसके बाद राष्ट्रभवन भेज दिया जाता है। स्पीकर हस्ताक्षर करता है, इसके बाद राष्ट्रभवन भेज दिया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिए, चर्चा और मतदान जो हो रहा है साधारण बहुमत से होगा। यहाँ पर साधारण बहुमत का प्रयोग होता है। यहाँ साधारण बहुमत का प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा, साधारण बहुमत का प्रयोग। यहाँ साधारण बहुमत का प्रयोग होगा। जितने संशोधन होंगे सब इसी में होगा। सभी संशोधन इसी अवस्था में रखा जाता है। सभी संशोधन इसी अवस्था में रखा जाता है। सभी संशोधन इसी अवस्था में रखा जाता है। इसी अवस्था में रखा जाता है। सभी संशोधन इसी अवस्था में रखा जाता है। अब यहां समझिए, अब यहां जो बताया था, जैसे अब जैसे बता रहा था, अब यहां से ये पारित मान लिया जाएगा। अब पारित करने के बाद अब कहां जाएगा? राज्यसभा में। इसी के नीचे नोट करके लिखिए, इस तरह एक सदन से पारित विधेयक दूसरे सदन ब्रैकेट में राज्यसभा में जाता है। इस तरह एक सदन से पारित विधेयक दूसरे सदन राज्यसभा में जाता है। दूसरे सदन राज्यसभा में जाता है, वहां भी तीनों वाचनों से गुजरता है। वहां भी तीनों वाचनों से गुजरता है, मतलब प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, वहां पर भी चलेगा। तीनों वाचनों से गुजरता है। तीनों वाचनों से गुजरता है और राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के लिए हस्ताक्षर के पास, राष्ट्रपति के लिए हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। और मैं बताया कि साधारण विधेयक है तो राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, उसी में लिख दिएगा। और राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए इसे भेज सकता है। राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए इसे भेज सकता है। एक बार पुनर्विचार के लिए इसे भेज सकता है। एक बार सस्पेंसिव वीटो, इसी को तो सस्पेंसिव वीटो कहा जाता है। एक बार जो पुनर्विचार के लिए भेजेगा भेज सकता है। ठीक है।
हाँ और क्या, उतना तो आप लोग सीख चुके हैं। यदि मान लीजिए एक बार पूरे जा के लिए भेजा, दोबारा यदि लोकसभा राज्यसभा पारित करके भेज दिया तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, कितने दिन के भीतर, कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। ऐसे ही धीरे धीरे दिमाग में बैठेगा, और कोई तरीका है नहीं, सब किताब में लिखा हुआ है। वो किताब में लिखकर क्या होगा जब हमारे दिमाग में नहीं है, वहां सही से रिकॉल होना चाहिए। मैं बोला तो इतना हम लोग जानते हैं, इतना जानते हैं, एग्जाम में इतना तो प्रदर्शन हो नहीं पा रहा, क्या फायदा इतना दिमाग खराब करने से, उससे बढ़िया में इतना ही जाने, इतना ही प्रदर्शन हो गया, हो गया। ये बताइए 38 ही तो मेरिट गया था 100 में, अब तो मान लीजिए लिस्ट आ भी गया, सब लोग जान भी गए, अब तो नहीं कह सकते ना कि 45 गया था। ये बताइए कि 100 में 38 क्वेश्चन सही करके आप पास हो सकते थे, और 38 करने के लिए बहुत ज़्यादा कोई मतलब, आप अभी तक तो कुछ नहीं पढ़े हैं तब भी पास हो सकते, ये भी बात जान लीजिए, अभी तक तो कुछ भी नहीं पढ़े तब भी पास हो सकते। ये बताइए सीसेट में, मैं बताऊं आप लोग, देखिए अब मुझे सीसेट, देखिए मैं सीसेट नहीं जानता हूं, हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं आपको कि आप लोग यदि उसमें भी सही रणनीति बनाएंगे तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी, उसमें पागल होकर भी पढ़ने की होती है। मैं बताऊं आपसे, वो एक्चुअल में क्वेश्चन कठिन बनाता है, कोई यदि आप थोड़ा सा भी समझदारी दिखाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इतना भी कठिन क्वेश्चन नहीं है। अब चूंकि वैसा क्वेश्चन कभी किए नहीं, ट्वेल्थ के बाद मैथ पढ़े नहीं, तो ट्वेल्थ के बाद मान लीजिए बहुत सारे लोग मैथ नहीं पढ़े, अब वो उनको जो है डर लगता है, डर लगता है, खौफ है वो बस। अरे वो डर है बताऊं उसमें, ये बताइए अब पोल्टी का डर खत्म हो गया ना, तो कभी आपने सोचा ही, बताइए आप पहले दिन पढ़ने आए थे आपको लग रहा था कि हम 20 में 18 क्वेश्चन सही करके आएंगे, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में बढ़ा रहा हूँ ना, पोल्टी का डर खत्म हो रहा है ना। ऐसे ही जब अच्छा से थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर देंगे सी सेट, डर खत्म हो जाएगा। उसमें तो 100 में 80 में 27 ही करना है, 27 करना है, सोच लीजिए 80 में 27 सही करना है, हालांकि कॉम्प्रिहेंशन के भरोसे मत चले जाइएगा। उसमें कॉम्प्रिहेंशन भी करना है, मैथ भी करना है, रीजनिंग भी करना है, उससे थोड़ा रणनीति अपना सही बनाइए, ये कह रहा हूं, घबराइए मत, घबराने से काम नहीं चलेगा। जिसमें बता रहे धीरे धीरे हम लोग अपने दिमाग बैठा रहे हैं, ऐसे ही सीसेट में भी धीरे धीरे मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। अभी समय है, अभी अप्रैल चल रहा है, मई है, जून है, 16 जून को एग्जाम है ना, बहुत है 2 महीने। ये बताइए 38 क्वेश्चन करने के लिए क्या है, अभी पोल्ट्री पढ़ाया हूँ ना, पेपर लाइएगा, पेपर में से बताऊंगा कि 20 क्वेश्चन में देखिए 18 हुआ पढ़ा हुआ आया है, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। 20 साल का मैं बता रहा हूँ, आज का थोड़ी ना अनुभव है, मैं कुछ छोड़ूंगा ही नहीं, कहाँ से पूछेगा वो। अभी करंट भी 4-5 दिन पढ़ाने वाला हूँ, मई में यूट्यूब पर पढ़ा दूंगा, जितना पोल्टी आई आर का करंट है सब पढ़ा दूंगा, बोल दूंगा, मैं भी तो डायरी लिख रखा हूँ, क्या करूँगा, लेके जाऊँगा ऊपर तो बोल बाल के जाना है कि खत्म। अब जैसा समझिए ये वाला क्लियर हुआ, अब इसके बाद हेडी बताइए संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक, जैसे उस दिन बताया था ना कि विपक्ष का नेता, विपक्ष का, अच्छा अभी बताया, देखिए विपक्ष का नेता जो है, जैसे अच्छा अभी हेडी मना के लिखवाई देता हूँ, उस दिन भूल गया था ध्यान, सदन के नेता सबका उल्लेख संविधान में है, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है इस, तो सदन के नेता सब का उल्लेख संविधान में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सामान्यता जो है वो देखा जाए तो लोकसभा का सदस्य जो है वो सदन का नेता बनाया जाता है, प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का तो वही सदन का नेता होता है एक तरह से, और एक विपक्ष का नेता होता है। तो जो विपक्ष का नेता होता है तो दोनों शब्दों में अलग अलग होता है, तो विपक्ष का जो नेता होता है तो ये ध्यान रखना है कि 1/10 संख्या होगी तब उसको बनाया जाएगा। मान लीजिए लोकसभा की संख्या है 543 तो 10 मतलब 55 सदस्य हैं, तो आपको विपक्षी दल का नेता बनाया जाएगा, लेकिन स्पीकर का विवेकाधीन शक्ति भी है। जैसे आपके पास 85 सीट है, जैसे कांग्रेस के पास 85 51 सीट था,
तब भी उसको विपक्ष कहते हैं, तब का दर्जा दे दिया गया। तो यहां पर जो है देखा जाए तो उसका स्पीकर का विवेकाधीन शक्ति होता है, वो चाहे तो कम संख्या होने पर भी विपक्ष का दर्जा दे सकता है। और जिसको विपक्ष का दर्जा दिया जाता है वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, उसको सब वही सुविधाएं प्राप्त होती हैं जो कैबिनेट मंत्री की सुविधाएं होती हैं। मान लीजिए राहुल गांधी साहब हैं, मान लीजिए हमें कहते हैं कांग्रेस पार्टी विपक्ष की नेता है, मान लीजिए खड़गे साहब विपक्ष के नेता है, उन्हीं को तो बनाया गया, उनको वही सुविधा प्राप्त है जो कैबिनेट मंत्री की सुविधा प्राप्त है। तभी तो कोई कैबिनेट मंत्री उनको कुछ बोलता है तो दूसरा व्यक्ति हंसता है, अरे उनको हल्के मत लीजिए, आपके बराबर अधिकार रखते हैं, विपक्ष के नेता है, भले सत्ता पक्ष में नहीं बैठे हैं। तो क्या हुआ, जो विपक्ष का नेता व्यक्ति है उसको वही सुविधा मिलेगा जो कैबिनेट मंत्री की सुविधा मिलता है। और हमारे यहाँ जो है अब जानते हैं कि ये जो विपक्ष के नेता का जो मान्यता शुरू हुआ वो 1965 में इसके लिए नियम बनाया गया था, और 1969 में पहली बार जो है अब जानते हैं कि 69 में लोकसभा में पहले विपक्ष के जो नेता थे डॉक्टर राम सुभग सिंह, जो लोकसभा में पहले विपक्ष के नेता थे डॉक्टर राम सुभग सिंह पहले विपक्ष के नेता बनाए गए थे, 1969 की घटना है। और 1969 में राज्यसभा में भी विपक्ष का नेता बनाया गया था श्याम नंदन मिश्रा, वही प्रोसेस 1/10। तो लोकसभा में थे विपक्ष के नेता, राज्यसभा में जो है श्याम नंदन मिश्र बनाए गए, नहीं दिया रहेगा तो कमलापति त्रिपाठी भी लगा सकते, राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं। नहीं दिया रहेगा तो कमलापति त्रिपाठी भी लगा सकते हैं, लेकिन एक नंबर पर श्याम नंदन मिश्र राज्यसभा में विपक्ष के नेता। कमलापति त्रिपाठी कौन? नहीं, शुद्ध रूप से नेता आदमी रहे। हाँ, अब जैसे समझिए संयुक्त बैठक है, नहीं बनाइए, बना दिया ना, अब समझिए हमारे यहाँ जैसे संयुक्त बैठक ये बना लिए, नहीं तो फोटो खींच लीजिएगा घर पे बना लीजिएगा, अब तो बना लिए ना, अब जैसे समझिए संयुक्त बैठक एक चीज और मजबूत करिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक साइंस जो आपका अच्छा हो एक भयंकर मजबूत कर डालिए। ज्योग्राफी का क्वेश्चन 20 आएगा तो 18-19 करके चलाऊंगा, या इकोनॉमिक्स का 20 आ गया तो 18-19 करके चलाऊंगा, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बस उसके बाद बाकी छोड़िए सब मामला, बाकी तो हो ही जाएगा थोड़ा बहुत, दो चीज भयंकर होना चाहिए। अब इस पोल्टी है, अब बस आते रहिए घर पे, मत पढ़िए, क्वेश्चन देते रहिए, हो जाएगा 18-19 हो जाएगा, 17 तो हो ही जाएगा। यदि मान लीजिए 17 भी हो गया, यहाँ 17 एक में आप करके चले आए तो 34 हुआ, उसका बचा क्या? कर लेते हैं करना, दोनों में अंतर होता है, करके आइएगा। इसी कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, 2000 कर दिए ना, ठीक, कम से कम 2000 जरूरी है करना, ज्योग्राफी 2000। इस बार पीटीयूटी नहीं रोकना चाहिए, अब आगे मामला बढ़ाया जाए, पता चले कि हर साल जो है हम लोग ऐसे परेशान चलेंगे। संयुक्त बैठक 108 अनुच्छेद 108, अब देखिए संयुक्त बैठक जो है
दो अवसरों पर होता है, एक तो साधारण विधेयक पर होगा और वित्त विधेयक 117 तीन वाले में होगा। ये दो अवसरों पर संयुक्त बैठक होता है। तो संयुक्त बैठक जो है साधारण विधेयक तथा कुछ वित्त विधेयकों मतलब 117 तीन कुछ वित्त विधेयकों के संदर्भ में होता है, संयुक्त बैठक की जो है शर्तें हैं, तीन शर्तें हैं, संयुक्त बैठक की तीन शर्तें हैं। पहली शर्त तो यह है कि जैसे मान लीजिए एक सदन ने पारित किया, दूसरे ने पारित नहीं, मतलब प्रथम सदन ने पारित किया, लोकसभा ने पारित किया, दूसरे ने पारित नहीं किया। मान लीजिए लोकसभा ने पारित करके भेजा राज्यसभा के पास, राज्यसभा ने पारित ही नहीं किया। एक के नीचे लिख दीजिए शर्तों में, नंबर एक प्रथम सदन ने पारित किया, दूसरे ने पारित नहीं किया, दूसरा बात समझिए, मान लीजिए लोकसभा ने कुछ सिंपल बिल पारित करके राज्यसभा के पास भेजा, राज्यसभा ने इसे परिवर्तन कर दिया, इसमें संशोधन कर दिया, या परिवर्तन लोकसभा को मान्य नहीं है। नंबर दो, प्रथम सदन ने पारित किया लेकिन दूसरे सदन ने संशोधन कर दिया, दूसरे सदन ने संशोधन कर दिया जो पहले सदन को माने नहीं है। पहला सदन मतलब लोकसभा। अब जा देखिए, जैसे मान लीजिए लोकसभा ने कोई विधेयक पारित करके भेजा राज्यसभा के पास और राज्यसभा 6 महीने तक कोई जवाब ही नहीं दिया, भूल गया, तो दूसरे सदन ने 6 माह तक कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दिया, तभी संयुक्त बैठक हो सकता है। नंबर तीन, प्रथम सदन ने विधेयक को पारित किया और दूसरे सदन ने 6 माह तक अपने पास रोक कर रखा, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, मैं बताया कि ये जो मनी बिल है और दूसरी तरफ जो है जो सिंपल जो फाइनेंशियल बिल है, ये जो मनी बिल है या जो फाइनेंशियल बिल है 117 एक वाला, इस संदर्भ में संयुक्त बैठक नहीं होगा, मतलब इसमें संयुक्त बैठक नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। और संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा, तो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाएगा। भाई मनी बिल में नहीं होगा, फाइनेंशियल भी 117 एक में नहीं होगा और अमेंडमेंट बिल में भी नहीं होगा, तीनों में सब नहीं होगा। धन विधेयक, वित्त विधेयक 117 एक और अमेंडमेंट बिल, संशोधन विधेयक, नहीं नहीं इतना ही है। अरे कुछ नहीं, कुल मिला के है तो 15-20 दिन का, वो तो हम लोग धीरे धीरे इसलिए पढ़ाते हैं कि आपके दिमाग बैठाना, एक सुर में पढ़ाना शुरू कर दो, मान लीजिए बैठेगा थोड़े दिमाग में। 4 विधेयक है ना, आपको रटवा के भेजूंगा, एकदम निश्चिंत रहिए, बस आप लगे रहिए। अब जा देखिए,
सब लोटा डोरी बाल्टी सब एकदम कम से कम सामान रखिए, सिंपल बोतल रखिए तो ठंडा पानी होता ही है। अब जा देखिए, चलिए कोई बात नहीं, उसको जाना था चला गया, उसकी नियति आज ही तक की थी। कष्ट होता है, कोई चीज सामान खो जाता है, कुछ कष्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, अब वही कि 5-7 साल के बाद वो चीज आप लोग में आएगा, ठीक है, जो होना था हो गया, कोई बात, जो होना टूट टाट गया, जो भी हुआ हुआ, जो बचा सो बचा, कोई बात नहीं। वही बात है ना कि अभी इस समय, अब जैसे होता क्या, कितनों को देखता हूँ 5 दिन के बाद एग्जाम है, आज कोई घटना घट गया, लैपटॉप चोरी हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, टेंशन में घूम रहे हैं, अब क्या करें बेचारे, वो गया सो गया, मत परेशान हुए, मिल जाएगा मिल जाएगा, अपना जो मेन काम वो कर लीजिए। हमारा तो कम से कम 4-5 मोबाइल गायब हुआ होगा, कम से कम बता रहा हूँ। मेट्रो में जाता हूँ मोबाइल गया, लगभग मान के चलिए, अभी आदत है ऊपर जेब में रख लेता हूँ, इतनी दूर लग गया सो भी गया, कोई निकाल कर लेके चला जाता है, तो 4-5 मोबाइल चला गया। अब उधर से आया तो बोले मोबाइल, वो मोबाइल तो गया, दूसरा खरीदाएगा, तो अब क्या करें, अब उसके लिए मैंने FIR कर दिया। एक दो मिल भी गया, गया तो एक दो मिल भी गया, ऐसा नहीं कि सब गायब ही हो गया, मिल गया। एक बार गाजियाबाद में चोरी हो गया था तो मिल गया, शाम तक ही आ गया, वो उसी मुंह वो फेंक दिया था कहीं ना, सिम दूसरा हो जाएगा। हाँ एक दो मिल गया, लेकिन मैं भी लापरवाह हूँ इस मामले में। तो अब ये जो है, ये अब इसके बाद ये तीन प्रक्रिया हो गया, एक या दो या तीन। आप जानते हैं कि ये संयुक्त बैठक जो है वो राष्ट्रपति PM की सलाह से बुलाता है, PM मतलब मंत्रिपरिषद PM की सलाह से बुलाता है, सलाह से बुलाता है। अब यहां पर जो सलाह से बुलाता है तो साधारण बहुमत द्वारा पारित होता है, साधारण बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत का मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। जैसे मान लीजिए, अब यहां मैं लिखा कि साधारण बहुमत से पारित होता है, साधारण बहुमत से पारित। और फिर एक दिन बताया था कि संयुक्त बैठक जो होगा तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, स्पीकर। अध्यक्षता कौन करेगा, स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, नहीं है तो उपसभापति, सभापति मत लगाइएगा, उपसभापति। तो यहां साधारण बहुमत से पारित होगा, साधारण बहुमत से पारित होगा, ये बताइए कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य इसमें भाग लेंगे, 543 और 245 दोनों भाग लेंगे, दोनों भाग लेंगे तो टोटल संख्या कितना हो गया, 8 4 4 8 788, इतने भाग लेंगे तो 788 में से आधे से ज्यादा सदस्य उपस्थित हो, फिर उसमें से आधे से ज्यादा सदस्य पक्ष मतदान करें। 788 का आधा पक्ष मतदान नहीं, इसमें से आधे पहले उपस्थित हो, इसमें से आधे मतदान करें, तो स्वाभाविक सी बात है कि साधारण बहुमत से पारित होगा तो लोकसभा की विजय होगी, क्योंकि लोकसभा में सरकार का बहुमत है, उसके पास आधा सीट तो है ही, 272 तो सामान्यतः पारित करा लेता है। तो साधारण बहुमत से पारित होता है और सेंट्रल हॉल में बैठक होती है, सेंट्रल हॉल में बैठक होती है, सेंट्रल हॉल में बैठक होती है और सामान्यतः जो है सत्ता पक्ष की विजय होती है, सत्ता पक्ष का विजय होता है। और यहां पर ध्यान रखना है कि संयुक्त बैठक में जो विधेयक पारित होता है उसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है, संयुक्त बैठक से जो विधेयक पारित होगा उसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। संयुक्त बैठक से पारित विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, मैं बताया था कहीं पर भी समय सीमा का उल्लेख नहीं, कहीं पर भी समय सीमा का उल्लेख नहीं।
जैसे बताया कि अभी तक तीन अवसरों पर संयुक्त बैठक हुई है, वहीं नीचे लिख दीजिएगा, अभी तक तीन अवसरों पर संयुक्त बैठक हुई है, अभी तक तीन अवसरों पर संयुक्त बैठक हुई है। नंबर एक दहेज प्रतिषेध विधेयक, दहेज प्रतिषेध विधेयक, दहेज प्रतिषेध विधेयक, विधेयक 59 का था, 61 में कानून बना था, प्रतिषेध विधेयक 1959। नंबर दो बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1977, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1977, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1977। नंबर तीन पोटा विधेयक, पोटा 2002, ठीक है, ये तो साधारण विधेयक हुआ। अब इसमें जो है अब धन विधेयक, धन विधेयक, एक सौ दस, देखिए जो धन विधेयक कैसे समझिए कि ऐसा विधेयक जो 110 एक में जो मामले संविधान में लिखे गए हैं उससे संबंधित होता है। जैसे मान लीजिए कर लगाना हुआ, सरकार द्वारा कर्ज लेना हुआ, किसी व्यय को संचित निधि पर भारित करना हुआ, ऐसे प्रकार से मान लीजिए कर का अधिरोपण करना है, कर को समाप्त करना है, कर में कोई परिवर्तन करना है, जिसमें बताया अभी कि भारत के संचित निधि पर जो है कोई भारित व्यय घोषित करना है, या मान लीजिए लोक लेखा से जो है जो पब्लिक अकाउंट है उससे कोई पैसा प्राप्त करना है, ये सब जितना उसमें जो लिखा होगा, मतलब 7 लाइन लिखा होगा, जो 7 लाइन लिखा होगा उस 7 लाइन से संबंधित विधेयक, पहला तो कंसेप्ट यही लिख दीजिए। अनुच्छेद 110 एक में, अनुच्छेद 110 एक में लिखित मामलों से संबंधित होता है। अनुच्छेद 110 अनुच्छेद 110 एक से संबंधित मामलों, अनुच्छेद 110 एक से संबंधित मामलों से संबंधित होता है। जैसे कुछ एग्जांपल लिख दीजिए, जैसे किसी कर का अधिरोपण उत्सादन तथा परिहार करना, किसी कर का अधिरोपण उत्सादन, अधिरोपण उत्सादन और परिहार करना, परिहार परिवर्तन सब एक ही बात है, परिवर्तन आदि करना, कमा संचित निधि पर किसी व्यय को घोषित करना, संचित निधि पर किसी व्यय को घोषित करना, और एक काम करिएगा यहां पर वो 7 लाइन लिख डालिएगा,
बेयर एड का वो लाइन उतार लीजिएगा, क्योंकि उसी में से उठा के वो लाइन लिखता है, तो क्या फायदा वो गलत ना हो जाए मामला। वो तो सामान्य एक कंसेप्ट बना के रखिए कि कोई कर लगाना हुआ, सरकार द्वारा कोई कर्ज लेना हुआ, मान लीजिए संचित निधि से धन का कोई विनियोग करना हुआ, या मान लीजिए किसी व्यय को संचित निधि पर भारित करना हुआ, इस तरह के मामले इसमें होते हैं। वो पूछता है कि कौन सा धन विधेयक से संबंधित विषय वस्तु नहीं है, तो बिना वो सात लाइन में से ही लिखेगा वो, तो सातों लाइन बस तैयार होना चाहिए। अब समझिए, तो संबंधी जो मामले हैं, तो जानते हैं कि ये जो मामला है लोकसभा राज्यसभा में से जो है ये लोकसभा में ही पहले रखा जाएगा। भाई धन विधेयक जो है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से रखा जाता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। अब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय स्पीकर करेगा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय स्पीकर करेगा ना ना, आखिर बीटो का प्रयोग होगा। कोई विधेयक मनी बिल है या नहीं इसका निर्णय स्पीकर करता है, एब्सोल्यूट का भी हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए कोई विधेयक पारित करके राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति के पास रखा हुआ है तब तक परिस्थिति बदल गया, हो सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी ना। अब यहां लोकसभा में पहले रखा जाएगा, लोकसभा में पहले रखा जाएगा, लोकसभा में पहले रखा जाएगा तो साधारण बहुमत से पारित होगा, साधारण बहुमत से पारित होगा, साधारण बहुमत से पारित होगा, साधारण बहुमत से पारित होने के बाद स्पीकर हस्ताक्षर करेगा, स्पीकर हस्ताक्षर करेगा, इसके बाद ये राज्यसभा में जाता है, तो राज्यसभा में पहले नहीं रखा जा सकता है, राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा 14 दिन की देरी कर सकती है, 14 दिन की देरी कर सकती है। और यहां पर ध्यान रखना है कि राज्यसभा जो है सिद्धांत में जो है कोई अनुशंसा दे सकती है, उसको परामर्श देने का अधिकार है सिद्धांत में, मतलब राज्यसभा न तो संशोधन कर सकती है न तो नामंजूर कर सकती है, परामर्श दे सकती है, राज्यसभा न तो संशोधन कर सकती है, राज्यसभा संशोधन नहीं कर सकती, ऐसे सीधा लिखिए, क्यों नहीं कर सकती है इसमें, नहीं राज्यसभा संशोधन नहीं कर सकती, राज्यसभा संशोधन नहीं कर सकती, राज्यसभा नामंजूर नहीं कर सकती, अस्वीकार नहीं कर सकती, अस्वीकार नामंजूर रिजेक्ट करना नहीं कर सकती। लेकिन यहां ध्यान रखना है कि राज्यसभा जो है परामर्श दे सकती है, राज्यसभा जो है परामर्श दे सकती है, परामर्श दे सकती है, कभी लिखे कि राज्यसभा जो है धन विधेयक के संदर्भ में परामर्श दे सकती है, सही बात, पिछले साल लिख रखा है, इसमें स्टेटमेंट आया था धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा परामर्श दे सकती, सही। अब यहां पर 14 दिन के बाद ये मान लिया जाएगा कि ये पारित हो गया, अब पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास आएगा, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है, राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है,
पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य, समय सीमा का उल्लेख है नहीं, चूंकि राष्ट्रपति के कहने से ही रखा गया है इसलिए राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, और राष्ट्रपति के कहने से ही रखा गया तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेज सकता है। राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। ठीक है, बना दिया, ये ध्यान रखना है। अब जैसे समझिए, वित्त विधेयक ऐसे जैसे हम अपने बच्चे को भी मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं, वो भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है ना, वो भी पढ़ता है तो उसको मैं पढ़ाता हूँ, तो एक दिन मैं रात में ऐसे नींद में रहा तो उसको एक हम लोग के यहाँ वालस्टीन का थ्योरी है, ईजी फ्रैंक जो न्यू मार्क्सिस्ट है, वालस्टीन का मतलब कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, उसने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में ये बताया कि विश्व में कैसे शोषण चल रहा है। उसने वालस्टीन ने जो किताब लिखा वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, उसमें उसने बताया ऐसे ये परिधि है, ये सेमी पेरिफेरी है, ये सेंटर है, ये जो परिधि है यहाँ पर जो परिधि में देखा जाए तो जो एक तरह से कह सकते हैं कि अल्प विकासशील देश हैं, जो गरीब देश हैं, यहाँ पर जो है एक तरह से विकसित देश हैं, मतलब कि विकासशील देश हैं, यहाँ विकासशील देश हैं, यहाँ अल्प विकासशील देश हैं, यहाँ पर विकसित देश हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर चीन है, यहाँ पर भारत है, इस तरह के देश हैं, यहाँ पर नेपाल भूटान मालदीव सूडान ये सब हैं, तो मान लीजिए नेपाल भूटान का भारत और चीन शोषण कर लेते हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति नेपाल कितनी बार गया है बोली जल्दी से, नहीं गया, जाके क्या करेगा, मोदी साहब चले जाएंगे थोड़ा बहुत शोषण सर जितना करना होगा करो के चले जाएंगे, अब भारत जब शोषण करके आ जाएगा चीन उन आ जाएगा तब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आ जाएंगे, भारत का शोषण करके लेके चले जाएंगे, क्या जरूरत है यहाँ जाने की, इतना कहाँ टाइम है उसके पास कि चल के नेपाल भूटान और मालदीव टहलता रहे। तो मैं ऐसे ही बना के ऐसे बता दिया, हम कैसे लिख देना बेटा, अब रात में 11 बजे फोन किया, पापा ये तो भूल गए पैलेस्टीन की एक थ्योरी है, हम कहे अरे यार यही लिख देना, मैं ऐसे बता दिया, दूसरे दिन लिख के चलाया, फिर लिख के चलाया, उसके बाद जो है नाराज हुआ हम पर पूरा, पापा रात में तुम ठीक से समझाए नहीं, हम तो वह कहानी लिख के आ गए, तो ये उनके कापियों पीछे हुआ, तो कल ही हमको फ़ोन किए, इनका सबसे अच्छा नंबर आया पॉलिटिकल साइंस में यूनिवर्सिटी में, तो हमको फ़ोन किए, बोले हमको सर बुलाए, बोले कि तुम वालस्टीन किस किताब से पढ़े हो, हम बताए हम किसी किताब से नहीं पढ़े हो, तो हम पापा से पूछे तो पापा कहानी बताए, वही में लिखा, तो उसमें क्या है आप उस कहानी को सही लिखना चाहिए, है तो कहानी यही ना, जैसे मान लीजिए धन विधेयक है तो एक बार कहानी दिमाग में बैठे, बाकी सब तो याद हो जाएगा, क्योंकि यदि कहानी नहीं बैठेगा तो वो क्या करता है कि एकदम उस सेंस लिखना शुरू करता है, और एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है ना कि कभी आपने सोचा कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन ज्योग्राफी क्वेश्चन क्यों इतना गलत होता है आपसे एग्जाम में, क्योंकि आप उसको हाँ उसको पचा नहीं पाए हैं अच्छा से, यदि धीरे धीरे कोई कर करके आपको पचा देता है ना, आपके DNA में प्रवेश करा देता है ऐसे ऐसे करके, तो फिर वो हिस्ट्री पोल्ट्री से भी ज़्यादा, हिस्ट्री तो बल्कि पोल्ट्री से आसान या बल्कि पोल्ट्री में तो अनुच्छेद इधर उधर बहुत सारा जटिलता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी और भी तो एक बार समझ लिए तो साइंस है काम खत्म हमेशा के लिए। अब वित्त विधेयक जो है, ये वित्त विधेयक दो तरह का होता है, वित्त विधेयक जो है दो तरह का होता है, ये वित्त विधेयक जो है दो तरह का होता है, एक वित्त विधेयक जो है 117(1) का है और दूसरा जो है 117(3) का है, 117(1) और 117(3). 117(1) का जो विधेयक है ऐसे समझिए कि इसमें जो है अधिकांश बातें जो हैं
अधिकांश बातें जो है मनी बिल है, इसमें कुछ बातें अन्य बातें जो है ऐसे समझिए कि कुछ थोड़ी बहुत बातें जो है अन्य बातें हैं, अन्य मामले हैं। इसका मतलब ये हुआ ये जो फाइनेंशियल बिल है, यहाँ पर फाइनेंशियल बिल इज इक्वल टू हो गया मनी बिल प्लस अन्य मामले, अन्य मामले। ये मनी बिल जो है ज्यादा होता है, ये ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। अब मनी बिल ज्यादा होता है तो ऐसे समझिए, यहां पर ये मनी बिल ज्यादा होता है तो लोकसभा में ही पहले रखा जाता है, लोकसभा में पहले रखा जाएगा, यहां साधारण बहुमत से पारित होगा, इसके बाद राज्यसभा में जाएगा, यहां पर भी साधारण बहुमत से पारित होगा। और यहां चूंकि मनी बिल ज्यादा होता है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से रखा जाता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से रखा जाता है। दोनों शब्दों से अलग अलग पारित होगा, ठीक। लेकिन यहां पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, संयुक्त बैठक नहीं होगी, संयुक्त बैठक नहीं होगी। और यहां दोनों शब्दों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति भी पुनर्विचार नहीं कर सकता क्योंकि राष्ट्रपति के कहने से ही रखा गया है, राष्ट्रपति भी पुनर्विचार नहीं भेज सकता, राष्ट्रपति के कहने से ही रखा गया है। और इस तरह से राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। तो यहां पर फाइनेंशियल बिल का मतलब मनी बिल के साथ अन्य मामलों को जोड़ दिया जाता है, मान लीजिए धन विधेयक ज्यादा है उसमें कोई अन्य कोई मामला है तो उसी में रख दिया जाएगा 2-4%। लेकिन यहां 14 दिन वाला शर्त नहीं लागू होगा, ध्यान रखिए। अब ज्यादा यहां समझिए, जैसे बताया ये जो है 117(3) जो है धन प्राप्त करने से संबंधित विधेयकों को इसमें रखा जाता है, धन प्राप्ति से संबंधित विधेयक, धन प्राप्ति से संबंधित विधेयक जैसे विनियोग विधेयक, जैसे विनियोग विधेयक 114, अभी आगे पढ़ाता हूं। अब यहां पर ध्यान रखिए, यहां पर ये जो 117(3) का जो फाइनेंशियल बिल है ये लोकसभा राज्यसभा में से किसी में भी पहले रखा जा सकता है, कुछ मामलों पर ही राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता है, सामान्यतः अनुमति की आवश्यकता नहीं, कुछ मामलों पर, कुछ मामलों पर ही राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता है, कुछ मामलों में ही राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता। अब यहां पर साधारण बहुमत से पारित होगा, फिर यहां पर साधारण बहुमत से पारित होगा, और आवश्यक होने पर संयुक्त बैठक भी हो सकता है, संयुक्त बैठक भी हो सकता है, संयुक्त बैठक भी हो सकता है, संयुक्त बैठक भी हो सकता है। और यहां पर दोनों शब्दों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास आएगा तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। जो सरकार पैसा प्राप्त करने के लिए जो विधेयक बनाती है एप्रोप्रिएशन बिल, वो इसी कैटेगरी में आता है। मोदी साहब नहीं कर रहे थे उस समय, राज्यसभा में बहुमत नहीं तो क्या हुआ, संयुक्त बैठक करा लेंगे, क्यों परेशान है, हो सकता है। आता ही है, कहां से पूछता है, मैं बोला तो आप ही को जिम्मेदारी इस बार हम लोग सब लोग सौंप रहे हैं, पेपर देना है ना आपको, 16 जून को एग्जाम है ना, 16 जून को शाम को ठीक फोन करके बताइएगा कितना क्वेश्चन उल्टा आया है। कुछ नहीं उल्टा आता है, हम लोग ढंग से पढ़ते नहीं,
सही बता दो। अरे एक दो क्वेश्चन उल्टा जाया जाएगा और क्या जाएगा, ऐसा कौन सा उल्टा जा पूछ रहा है, पढ़ना तो पड़ेगा ना। ये तो खुद ही सोचिए, इतना हम लोग पोल्ट्री 30-32 क्लास पढ़ेंगे, इतना बिना पढ़े मामला नहीं होगा। दो सब्जेक्ट आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा। यदि अच्छा से पढ़ा जाए ना, या अपने से पढ़ना पड़ेगा। अपने से नहीं पढ़ सकते, अपने से पढ़ना पड़ेगा। देखिए मैं बताना कि आप लोग दो लोग बैठिए, 10 लोग बैठिए, 20 लोग बैठिए, उससे कोई फर्क नहीं है। हमने बोला कि रोज टेस्ट होगा, रोज टेस्ट करा रहा हूँ ना। मैं चाहता तो बोल देता भाई ऐसा कि बाद में चलेगा, बाद में कुछ नहीं, चल बैठिए पढ़िए चुपचाप। अपना इंटरेस्ट है, 2-4-5 साल पढ़ाने का इंटरेस्ट है, अपनी आत्मा को शांति मिल जाता है, बस इतना ही समझिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको अच्छा लगता है। तो बताया ना कि हमारा बाबू भी 11 बजे रात में फोन करे, चाहे 12 बजे रात में भी, हम लोग दोनों लोग बैठ के पढ़ते रहते हैं। फोन से ही पढ़ाई चल रहा है, फोन से पढ़ाई चल रहा है अपना। कभी कभी मान लीजिए नहीं होता तो घर पे भी एक बोर्ड लगा हुआ है, वो छोटा वाला, उसी से पढ़ा देता हूँ। उसको भी इंटरेस्ट है, कोई बात नहीं पापा, वो चलो बेटा बताता हूँ। अभी मान लीजिए कुछ नहीं भी समझ में आया, नया नया सिलेबस नहीं समझ में आया, तो बोलता हूँ किताब खरीद के लाऊंगा, संडे को पढ़ लूंगा, फिर पढ़ाऊंगा। नया नया चीज आता रहता है ना, तब तो उसमें क्या है, हर व्यक्ति का इंटरेस्ट होता है। घर पे सब लोग करते हैं किंतु और कोई काम नहीं है, चुपचाप पढ़ना पढ़ाना, बाप बेटा दोनों लोग लगे हुए हैं, ना पता पढ़ लिख के क्या करेंगे लोग। पिताजी भी हमारे बोलते थे कि तुम लोग दोनों लोग लगे रहते हो, उनको भी पढ़ने में इंटरेस्ट था, बोले हमेशा लगे रहते हैं, दूसरा भी देखो कुछ काम हो, क्या काम देखना है, यही हम लोग का इंटरेस्ट है भाई। यही होता है कि सबका इंटरेस्ट अलग अलग है ना, और ऐसा थोड़ा है। अब जैसा समझिए, ये क्लियर हो गया, आप लोगों का अमेंडमेंट बिल पढ़ाया था पहले दूसरे दिन, एक बार रिपीट करा रहा हूँ। अमेंडमेंट बिल आप ही बोलिएगा, आप ही नहीं इधर देखिए बोलिए। संशोधन विधेयक निजी विधेयक हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, ठीक से रिविजन नहीं किए। जो अमेंडमेंट बिल है तो सुन लीजिए, अमेंडमेंट बिल जो है निजी विधेयक भी हो सकता है और सरकारी विधेयक भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। और अमेंडमेंट बिल जो है लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा में से किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है, ठीक, और फिर दोनों सदनों से अलग अलग पारित होगा। संयुक्त बैठक नहीं हो सकता है, और दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास आएगा। फिर बताइएगा, जो संशोधन विधेयक है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है या नहीं, नहीं पड़ी। तो अब यहाँ राष्ट्रपति के पास आएगा, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेजेगा, नहीं भेजेगा। तो दोनों सदनों से अलग अलग पारित होकर राष्ट्रपति के पास आता है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य, ठीक। ये सब बता चुका हूँ, इसको बता चुका हूँ इसलिए दोबारा नहीं लिखवा रहा हूँ। अब यहाँ पर अब हम लोग जैसे सिंपल बिल पढ़े, जैसे हम लोग जो है सिंपल बिल के बारे में पढ़े, फिर मैं जो है मनी बिल के बारे में बताया, फिर फाइनेंशियल बिल के बारे में बताया, फिर अमेंडमेंट बिल आप लोगों को पढ़ा रखा हूँ, ठीक। अब इसमें क्या करिएगा कि अब आप लोग जो है जैसे एक अंतर है, दो अंतर है, तीन है, मान लीजिए इसमें इसमें ये चार अंतर हो गया, इसमें इसमें जो है पाँच अंतर हो गया, फिर इसमें और इसमें जो है छः अंतर हो गया, बोलिए। इसलिए क्योंकि संशोधन विधेयक है ना, विशेष बहुमत से पारित होता है सामान्यतः, तो परिवर्तन करेंगे तो फिर मामला जटिल हो जाएगा ना। एक बार किसी तरह से मान लीजिए जोड़ घटा के पीटीओटी पास हुआ, अब निकाल उकाल के मामला खत्म हो, पता देखिए अगली बार इंटरव्यू दिया पीटी नहीं हुआ, कितना कष्ट की बात है, तो ज्यादा झटका लगता है ना। अब देखिए इसमें से एक दो मैं भी बता देता हूं, जो आपको बोलना हो, छह अंतर आप लोगों को लिखना है कॉपी में। अब जो बोलिए उसी में चार लाइन बताऊं तुरंत, बोलिए आप ही, बोलिए आप ही बोलिए, कौन सा बोलूं।
मनी बिल, मतलब मनी बिल, मनी बिल में अंतर करेंगे, किसमें किसमें बोले? अच्छा, जो किताब में लिखे रहते हैं जो रटाई करते हैं वो तो अभी बता दूंगा। ये मनी बिल हो गया, ये फाइनेंशियल बिल हो गया, ठीक। हाँ बोलिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि संशोधन विधेयक कहते समय हम लोग दिमाग में दूसरी और तीसरी प्रक्रिया ही आनी चाहिए, क्योंकि दूसरी तीसरी प्रक्रिया को ही जो है, दूसरी तीसरी प्रक्रिया को ही संशोधन माना जाता है, पहले को तो नंबर भी नहीं दिया जाता। अब देखिए, ये मनी बिल हुआ, अब फाइनेंशियल बिल हुआ, सही बात है और क्या। साधारण को संशोधन नंबर नहीं दिया जाएगा भाई, हमें कहते हैं संविधान में कानून बदल जाएगा लेकिन उसको नंबर नहीं मिलेगा। तो संशोधन करने की तीन ही प्रक्रिया है, सही बात है। हाँ सही है। ज्यादातर संशोधन किस बहुमत से होता है? विशेष। ज्यादातर संशोधन विशेष बहुमत से। अब ये वाला अंतर सुनिए, ये वाला ना जिसकी रटाई आप करते हैं, ऐसे बनाइए, वो भी करा दूंगा, पहले एक तो इनको तो सिखा दूं, उसके बाद आप ही को बता देता हूं, दो मैं करा दूंगा, 5 मिनट लगना है। देखिए, मनी बिल में ऐसे समझिए, धन विधेयक क्या है, 110 एक से संबंधित मामला रखता है, और फाइनेंशियल बिल क्या है, तो 110 एक प्लस अन्य मामलों को रखता है, और पैसा निकालने से संबंधित विधेयक है। नंबर एक लिख दीजिए, 110 एक से संबंधित मामलों को रखता है, 110 एक से संबंधित मामलों को रखता है, 110 एक से संबंधित मामलों को रखता है, इधर लिख दीजिए 110 एक प्लस अन्य मामले, 110 एक प्लस अन्य मामले तथा धन प्राप्ति से संबंधित विधेयक, धन प्राप्ति से संबंधित विधेयक, धन प्राप्ति से संबंधित विधेयक, एक सौ सत्रह में नहीं दो लाइन लिखवाया था, 117 एक का मतलब 110 प्लस अन्य मामले, और दूसरा 117 तीन बताया था कि धन प्राप्त करने से संबंधित विधेयक, 110 एक प्लस अन्य मामले, प्लस अन्य मामले तथा धन प्राप्ति से संबंधित विधेयक। अब जो दूसरा बात देखिए, ये बताइए, अभी बता रहा था कि ये गोला जो है फाइनेंशियल बिल है और ये गोला मनी बिल है, ठीक। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होंगे। अरे छोटा गोला बड़े गोले में ही तो है, और सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होंगे। नंबर दो, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, उधर लिख दीजिए, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। अब जैसा समझिए, अभी बताया था जी, कोई भी धन विधेयक होगा तो उस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है, लेकिन ये फाइनेंशियल बिल में दोनों कैटेगरी आ गया ना, 117 एक भी आ गया प्लस 117 तीन भी आ गया। यहां पर देख रहे हैं कि कोई भी धन विधेयक होगा तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी, और यहां पर सभी वित्त विधेयकों पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। 117 एक में होगी, 117 तीन वाले में नहीं ना है, लिख दीजिए। नंबर तीन, सभी पर राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, सभी पर राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, उधर लिख दीजिए, कुछ पर ही राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, कुछ पर ही राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, बताइए
अभी बताया हूं कि मनी बिल में लोकसभा में रखा जाएगा, राज्यसभा 14 दिन की देरी कर सकती है, संयुक्त बैठक नहीं हो सकता है। तो कोई भी मनी बिल होगा तो उस पर संयुक्त बैठक हो ही नहीं सकता है, लेकिन फाइनेंशियल बिल के कुछ मामलों पर 117(3) में संयुक्त बैठक हो सकता है। नंबर 4, संयुक्त बैठक हो सकता है, संयुक्त बैठक हो सकता है, उधर लिख दीजिए, अरे संयुक्त बैठक नहीं हो सकता मनी बिल में, संयुक्त बैठक नहीं हो सकता है, उधर लिख दीजिए कुछ मामलों पर संयुक्त बैठक हो सकता है, कुछ मामलों पर संयुक्त बैठक हो सकता है, अभी देखिए, अभी बता रहा था कि मनी बिल आएगा राष्ट्रपति के पास तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। अब फाइनेंशियल बिल में 117(3) वाले मैटर में पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, यहां पर लिख दीजिए। नंबर 5, किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, मनी बिल में किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, उधर लिख दीजिए 117(3) के मामलों को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अब चलिए एक और आप बता रहे थे पीछे, चलिए बोलिए इधर, एक दो और लिख डालिएगा, समझ गए ना, अब रटना तो नहीं पड़ेगा, अगले जन्म में भी याद आना चाहिए। कोई 10 दिन बाद भी पूछा कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में अंतर, अब तुरंत बताइए, ये होना चाहिए। रटा अब रट रहे हैं, किताबों में रटाई चलती है, अब वही हम लोग बीए में आता भी था इसमें, और बनाइए ऐसे सिंपल बिल और अमेंडमेंट बिल। अब देखिए पहला चीज समझिए, सिंपल बिल होगा तो हमेशा साधारण बहुमत से पारित होगा, यहां साधारण बहुमत और विशेष बहुमत से पारित होगा। नंबर 1, हमेशा साधारण बहुमत से पारित होता है, हमेशा साधारण बहुमत से पारित होता है, भाई सिंपल बिल तो हमेशा साधारण बहुमत से होगा, और उधर लिख दीजिए साधारण बहुमत तथा विशेष बहुमत दोनों से पारित होता है। अभी बताइए सिंपल बिल में, मैं बताया कि सिंपल बिल में संयुक्त बैठक हो सकती है, सिंपल बिल में संयुक्त बैठक हो सकती है, अमेंडमेंट बिल में होगा नहीं होगा, दोनों सदनों से अलग अलग पारित करना पड़ेगा। नंबर 2, संयुक्त बैठक हो सकती है, उधर लिख दीजिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, बल्कि दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना चाहिए, ये तो मतलब निकला। आइए बताइए सिंपल बिल है तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन यहां पर अमेंडमेंट बिल को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, लिख दीजिए पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेज सकता है, सिंपल बिल में लिखिए पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेज सकता है, उधर लिख दीजिए अमेंडमेंट बिल में पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं भेज सकता। अब जा देखिए भाई सिंपल बिल से क्या होता है, सामान्य कानून बनता है, सिंपल बिल से सामान्य कानून बनता है, तो मान लीजिए राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, तो राज्य सरकार भी तो कानून बना सकता है, और केंद्र सूची समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार कानून बना सकता है। इसका मतलब कि सिंपल जो बिल है वो केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर रखा जाता है, अमेंडमेंट बिल हमेशा जो है केंद्र स्तर पर ही रखा जाएगा, वो तो कुछ मामलों में अनुमोदन की आवश्यकता है। नंबर 4, केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर रखा जाता है, केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर रखा जाता है, केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर रखा जाता है, उधर लिख दीजिए यह विधेयक केवल केंद्र स्तर पर ही रखा जाता है, केवल केंद्र स्तर पर ही रखा जाता है,
केवल केवल केंद्र स्तर पर रखा जाता है। तृतीय प्रक्रिया में राज्य अनुमोदन करते हैं, तृतीय प्रक्रिया में राज्य अनुमोदन करते हैं। ये बताइए, सिंपल बिल है तो सिंपल बिल पर अध्यादेश जारी हो सकता है, अमेंडमेंट बिल पर अध्यादेश जारी नहीं हो सकता। लिख दीजिए अध्यादेश जारी हो सकता है, उधर लिख दीजिए अध्यादेश जारी नहीं हो सकता। अध्यादेश जारी नहीं हो सकता, ये बताइए। कुछ जो सिंपल बिल है जैसे भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामला है, इस तरह के कुछ मामले हैं कृषि से संबंधित जो मामले हैं उस पर राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए तब विधेयक रखा जाता है। मतलब कुछ सिंपल बिल पर राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए, अभी मैं आगे लिखवा भी दूंगा कौन कौन सा विधेयक है। तो कुछ विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए, जैसे मैं बताया भूमि अधिग्रहण कानून बन रहा है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही विधेयक रखा जाएगा। लेकिन किसी भी संशोधन के मामले में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं चाहिए। नंबर चार, कुछ मामलों में राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, कुछ मामलों में राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, जैसे भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण कानून, उधर लिख दीजिए किसी भी मामले में, किसी भी मामले में राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी मामले में राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी मामले में राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी मामले में राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, चार पांच हो गया ना, बस एक अपने पेपर बांट दीजिए, एक अपने लिखिएगा, कल सबके काम पे मैं देखूंगा, एक एक कम से कम लिखिएगा जो मन में आए इसमें से।